Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत। इसलिए प्रश्न कर रहे हैं, जो उच्च कुल ब्राह्मण लोग एक छोटे जाति के व्यक्ति को प्रश्न करते हैं, तात्पर्य है भगवत भक्ति में कदि जय भजे सही बड़ा अभक्त हिंसार कृष्ण भजन नहीं जाती कुलादि विचार। इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति में इसमें कोई जो भजन करता है वही व्यक्ति बड़ा है, और जो भजन नहीं करता है, भले ही प्रहलाद महाराज कहते हैं विप्रात दुई चढ़ गुण जूत अरबिंद पदारा बिंद विभुखात सपचम वरिष्ठ। भले ही कोई ब्राह्मण हो उसके अंदर में बार गुण युक्त हो, समा दम तप शौच संतोष आर्यवम, उसके अंदर में बार गुण क्यों नहीं हो, लेकिन वो व्यक्ति भगवान की भक्ति से विमुख है। लेकिन भले ही कोई एक चंडाल कुल में जन्म हुआ, लेकिन वो भगवान की भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है। जैसे गुह का चंडा भगवान राम का मित्र है, ठाकुर जी के मित्र है। इसलिए कहते वह व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है वो तो खुद उधार होगा ही, और उसको साथ साथ उसने अपना एक ही पीढ़ी को भी उधार कर लेगा। लेकिन जो अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं, अगर वो प्रभु की भक्ति नहीं करेगा तो कहते दूसरों का क्या उधार करेगा, खुद ही उधार नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान की भक्ति में नियम है भगवान की भक्ति। हनुमान जी बंदर कुल में आए, सबरी सबरी जाति में आई है, सबरी सबरी जाति में आई, लेकिन भगवान जिसकी झूठा बेर खाते हैं, है? इसलिए भगवान की भक्ति में कोई जात पात का कोई विचार नहीं। इसलिए श्री सौनक आदि ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को छह प्रश्न की थी। पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, और दूसरी प्रश्न है कलयुग में भगवत प्राप्ति के सबसे सरल साधन क्या है, जिसके उत्तर में श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकूत भयम् योगिनां नृपनिर्मित हरि नामानुकीर्तनम्। यह तो भगवान का नाम कीर्तन को कौन कौन व्यक्ति करते हैं, सुतो गोस्वामी कहते हैं तीन तरह के व्यक्ति ये नाम कीर्तन कर सकते हैं। अगर कोई बोले नहीं हम संसार में दुख कष्ट पा रहे ना, केवल हमें ही प्रभु का नाम लेनी चाहिए, बोले नहीं जो मुक्त महापुरुष हो गए हैं, जैसे श्री हरिदास ठाकुर जी ये पितामह ब्रह्मा जी, ये प्रहलाद दोनों मिलकर के हरिदास, लेकिन कितना हरि नाम करते थे, बोले दिन में तीन लाख हरि नाम करते थे। श्री प्रभुपाद जी तीन लाख हरि नाम किया, भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने तीन लाख हरिनाम किया, शंकर जी, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले महामंत्र जय जप तमहे का, महामंत्र जय जप तमहे का, कहते स्वयं भोले बाबा बोले पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, वो पंचमुख में भगवान का नाम जप करते हैं मुक्त महापुरुष। ब्रह्मा जी चतुर्मुख में ब्रह्मा जी भी ठाकुर का नाम लेते हैं। माता देवी शंकर जी को पूछे प्रभु हम किसकी नाम लेनी चाहिए, शंकर जी कहते पार्वती, बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे,
सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम वरान। भले सुंदरी पार्वती, जो व्यक्ति विष्णु सहस्र नाम को एक बार लेते हैं, मतलब 1000 विष्णु का नाम लेते हैं, अगर कोई एक बार श्री राम का नाम ले ले वही भले। तभी से माता पार्वती गोस्वामी जी कहते हैं, भले सहसना मा सुनी प्रिय वाणी जय संग प्रिय तब से माता पार्वती की 8 हाथ में देखना 1 हाथ में माला है, 1 हाथ में माला है। इसलिए माँ भी क्या करती है, दिन रात प्रभु की नाम जप करती है। हनुमान जी क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम, वो भी ठाकुर का नाम जप करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, जो मुक्त महापुरुष है वो भी ठाकुर का नाम जप करते हैं। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले ऐर मुक्त कुल रूपास्यमानम हरि नाम संश्रयामी। ऐ मुक्त कुल रूपास्यमानम, ये हरिनाम को जो मुक्त महापुरुष है ऐसे मुक्त महापुरुष भी हरिनाम को जप करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये हरिनाम को हम भी ग्रहण करते हैं, है? इसे रूप गोस्वामी कहते हैं। इसलिए बोले इतत निर्विद्यमान नाम, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति इच्छताम अकूत भय, अगर जगत में कोई अभय पाना चाहते हैं, जीवन में अभय पाना चाहते हैं, उनको क्या करनी चाहिए, उनको भी ठाकुर जी का नाम जप करनी चाहिए। बोले जोगी नाम निरपर निर्णित हरे नामान कीर्तन, बोले जितने ऋषि मुनि शास्त्र वेद पुरा ये सबके सब मिल करके वो एक सिद्धांत पर पहुंचे हैं। क्या सिद्धांत है, कलयुग में क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी की नाम को ही जप करनी चाहिए। इसलिए बोले हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसलिए कलि संतरण उपनिषद में बताए हरे नाम हरे नाम, मतलब हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, पहला लाइन में 3 बार और दूसरे लाइन में नहीं नहीं नहीं, पहला लाइन में 3 बार और दूसरे लाइन में भी 3 बार। बोले क्यों, ये 3-3 बार क्यों बोले, बोले किसी बात को अगर 3 बार बोल दो ना वो पक्की हो जाता है। और एक अर्थ 3 बार क्यों बोले, बोले भैया ये कलयुग का जीव है, एक बार बोलने पर सुनने वाले नहीं, इनको एक बार बोल देना भगवान के नाम से कल्याण होगा, तभी जोग में कर्म में भोग में तभी घुसो, तभी उस तरफ में जाएंगे, प्रभु का नाम छोड़कर तभी इधर उधर भटकते रहेंगे। इसलिए वो 3-3 बार बताए ठाकुर जी के नाम के सिवाय जीव का कोई कल्याण नहीं, केवल नाम से ही जीव का कल्याण होने वाले। इसलिए सबके सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण हम लोग बोलते हैं, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर के बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो रामायण का एक कथा सुनो, ध्यान देख रहे भगवान का नाम में कितने शक्ति है। बोले एक समय एक राजा थे जिसका नाम था सुकांत, वो जा रहे थे सत्संग में जा रहे थे, बीच में नारद जी मिल गए। आपको पता है नारद जी झगड़ा लगाने वाले, नारद जी मिल गए, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले सुमेरु पर्वत में आज बहुत बड़े बड़े संत लोग एकत्रित हो रहे हैं, आज वहां पर सत्संग में जा रहा हूं। जब जा रहे थे बोले सुनो इधर आ, बोले क्या बात है, बोले देखो पहले जाकर के नियम है सब संतों को प्रणाम करनी चाहिए, बोले आप लोग तो सिखा दिया है, सबसे पहले संतों के चरण में प्रणाम करो।
बोले और ये काम करना, बोले क्या बताओ, बोले जब सारे संत लाइन करके बैठे हुए होंगे ना सबको तो प्रणाम करना, देखना वहां पर विश्वामित्र भी होंगे लेकिन उनको प्रणाम नहीं करना। बोले क्यों, जब सबको प्रणाम करेंगे उन्हें भी तो प्रणाम करनी चाहिए। बोले बोल दिया ना, अरे वो भी पहले ही क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय से फिर वो ब्रह्मर्षि बने हैं, वो पहले वो क्षत्रिय थे विश्वामित्र, इसलिए तू भी क्षत्रिय है, कोई जरूरत नहीं प्रणाम करने का। बोले ठीक है, वो गए सारे संत लाइन से बैठे हुए, सबका चरण में उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन बीच में जो विश्वामित्र जी थे उनको प्रणाम नहीं किया। आपको पता होगा विश्वामित्र कितने क्रोधी और कितने तेजस्वी, अगर सबको प्रणाम करो बीच में एक व्यक्ति को प्रणाम न कर क्या होगा, उनका एक तरह का अपमान है। जब सब उनको इतने अपमान बोध हुई, जब सत्संग समाप्त हो गया, बड़े क्रोधित होकर के सीधा सुमेरु पर्वत से अयोध्या आए। बोले वहां पर लक्ष्मण जी थे, बोले प्रभु राम से मिलना चाहता हूँ। बोले प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी से रुक जा। बोले नहीं अभी अभी मैं मिलना चाहता हूँ। बोले प्रभु अभी विश्राम कर रहे, बोले नहीं अभी मैं मिलना चाहता हूँ। अभी इनके तर्क वितर्क सुन करके प्रभु राम बाहर निकले, देखा गुरुजी, गुरुजी को देख कर क्या किया, गुरुजी के चरण में प्रणाम किया, देखा गुरुजी बड़े क्रोधित है। बोले भैया क्या बात, गुरुजी आप इतने क्रोधित क्यों? बोले देखो मेरे लिए नहीं, ये गुरु परंपरा की, ये संत समाज की अपमान है, ये सुकांत राजा ने भरी सभा में सबको तो प्रणाम की लेकिन केवल मेरे चरण में उन्होंने नतमस्तक नहीं किया। भगवान राम ने कहा गुरुजी चिंता मत करो, जिस राजा ने मेरे गुरुजी की चरण में नतमस्तक नहीं किया कल उसका सर सबर में काट दूंगा। भगवान की जो प्रतिज्ञा है कहते सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, भगवान की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती है। अभी ये बात चलते चलते सुकांत जी का कान में पड़ा, भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया सबर इनकी सर कत्ल कर देंगे। अभी सुकांत सुनकर तो कांप उठा, बोले देखो ये नारद जी कैसे झगड़ा लगा दिए, हाँ मेरे को बोल दिया अब चरण में प्रणाम नहीं करना, अभी ठाकुर जी कहते सबर गला काट देंगे, अभी तो नारद जी को ढूंढे, नारद जी कहाँ है, मेरे को क्यों बोले, लेकिन नारद जी मिलेंगे। बोले जब तक ढूंढ नहीं रहता तब तक मिल गए, अभी ढूंढ रहा हूं मिल नहीं रहे, वो बड़े चिंता में। इतने में देखते देखते श्री नारद जी मुस्कुराते हुए और बिना बजाते हुए बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। नारद जी बिना बजाते बजाते आ रहे हैं, इतने में सुकांत जी ने कहा नारद जी आपको लड़ाई लगा दिया, बोले क्या है, बोले आपने कहा विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना, मैंने नहीं की, प्रभु प्रतिज्ञा की कल सबर मेरे गला काट देंगे, कल तक मेरे को मार डालेंगे ठाकुर जी। बोले भैया अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है, ठाकुर जी की हाथ में मरोगे तो मुक्ति मिलेगा। बोले मैं तो मरना नहीं चाहता हूँ। बोले बताओ ये जगत में कोई मरना चाहता है, बोलो कौन मरना चाहता है, मरने का नाम ही तो मरते जगत, सबको तो मरना पड़ेगा है, जगत मरते जगत है। बोले नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूँ गुरु जी, बताओ अभी क्या करे, आप क्यों ऐसे की। बोले एक काम करना, तुम अंजना माता जी की शरण में चले जाओ। अंजना कौन है, बोले अंजना कौन है, हनुमान जी की माता जी। अभी अंजना जी की चरण में गिर गिर रोने लग गए, माता जी मेरे को प्राण बचाओ, मेरे को प्राण बचाओ, पर माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। अभी उनकी चरण में जब रोने लग गए मैया के हृदय द्रवीभूत तो हो गया। बोले बेटा क्या बात है, बोले विश्वामित्र काल मेरे को मरना चाहते हैं, हैं? कल विश्वामित्र मेरे को मारना चाहते हैं, माता जी मेरे प्राण बचाओ, मेरे प्राण बचाओ। बोले ठीक है बेटा अंदर में बैठ जा। अभी अंदर में बैठ गए, शाम को हनुमान जी प्रभु की चरण सेवा करते हुए शाम को आए, देखा मैया तो बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई। बोले माता जी क्या बात है, हनुमान जैसे माँ रहते, हनुमान जैसे बेटा रहते, अगर मैया दुखी हनुमान का रहना नहीं रहना बराबर है, बताओ मैया क्यों दुखी। बोले बेटा एक शरणागत व्यक्ति को प्राण रक्षा करना पड़ेगा। बोले मैया मैं रहते हुए तुम चिंता क्यों करती हो, कोई चिंता मत करो। बोले कौन है, बोले बाहर निकलो सुकांत को, बोले बाहर निकालो। जब बाहर निकले बोले क्या बात है, बोले कल भगवान राम मेरे को मारना चाहता है,
भगवान राम मेरे को कल मारना चाहते हैं। अंजना बोली तू तो बोल रहा था क्या विश्वामित्र मारना चाहते, अभी राम के नाम कहां से पीछे आ गया। बोले विश्वामित्र ने राम का हाथ से मरवाना चाहते हैं। अभी इतना सुन करके तो हनुमान किस ऊपर से गिरे हैं। बोले भैया मेरे प्रभु, अगर कोई साधारण व्यक्ति होता मैं किस कुछ कर सकता, लेकिन मेरे प्रभु जब स्वयं प्रतिज्ञा की, उनका प्रतिज्ञा थोड़ी ठाकुर का प्रतिज्ञा झूठा होती है। अभी बीच में तो हनुमान फंस गया, फंस करके इतने में हनुमान सवेरे सवेरे अयोध्या पहुंच गए। देखा भगवान राम अस्त्र शस्त्र लेकर के निकल रहे थे। बोले प्रभु कहाँ निकल रहे हो। बोले सुकांत को मारने के लिए। बोले प्रभु एक जीव को क्यों मारोगे प्रभु, छोड़ दो। बोले नहीं, उसने मेरे गुरु जी के चरण में सर नहीं झुकाया, उसका सर रहने का लायक ही नहीं, मैं तो जरूर उसको मारूंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा किया उसको रक्षा करने के लिए। बोले क्यों, तुमने क्यों प्रतिज्ञा की। बोले मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था, बीच में तो फंस गया। बोले तू जो कुछ करना कर, मैं तो जरूर मारूंगा। हनुमान जी सुकांत को लेकर बोले मेरे साथ में चलो, मेरे साथ में चलो लेकर के, बोले मेरे पूछ को नीचे बैठ जाओ और चलो दोनों को दोनों प्रभु का नाम जप करते हैं। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव ठाकुर जी का नाम जप कर रहे थे, लेकिन सुकांत तो घबरा हुआ था। सुकांत बारंबार हनुमान जी से पूछ रहे थे। बोले हनुमान जी ये राम के बोले ये दो ही अक्षर है, क्या ये दो अक्षर राम से बचा पाएगा। इसलिए हनुमान जी कह रहे चिंता क्यों कर रहे हो, हरि हरि का नाम निश्चिंत तो होकर के नाम करो। एक तो डर से कर रहा है और एक प्रेम से कर रहा है। डर से कौन कर रहा था, सुकांत, और प्रेम से कौन कर रहा था, हनुमान जी। इतने में भगवान राम आए हैं। जब राम आए आकर के हनुमान जी के घर में आए, बोले ये सुकांत गया कहाँ। बोले कोई एक बंदर ने आकर के उसको ले गया। बोले भैया कौन सा बंदर ले गया, वो समझ गए कि हनुमान जी लेकर गए। इतने में जो वहां पर पहुंचे देखे सुकांत जी हनुमान जी को पूछ को पीछे बैठे हुए नीचे, और सुकांत और हनुमान जी मिलकर के ठाकुर जी के नाम जप कर रहे। इतने में भगवान राम ने उठाया अपना बाण है। भगवान का जो बाण ना अचूक है, अचूक बाण है। जब भगवान राम तीर को पकड़ते हैं वो एक गुना होता है, जब निकालते हैं 100 बन जाता है, जब चढ़ाते हैं वो 1000 बनता है, जब खींचते हैं वो 1,00,000 होता है, जब छोड़ते हैं वो 1,00,000 गुण में बढ़ता है, और जो प्रहार करता है किसको प्राण ले जाता है। भगवान की बाण को सामने कोई नहीं टिक सकते। हम लोग रामायण देखे होंगे ना, जब रावण को साथ में युद्ध कर रहे थे प्रभु राम, वो कह रहे भैया मैंने विष्णु को साथ में, ब्रह्मा को साथ में, शंकर को साथ में युद्ध किया, लेकिन पता नहीं कब ये राम कब प्रत्यंचा में बाण चढ़ाते हैं, कब छोड़ता है मेरे को पता ही नहीं चलता, कब प्रहार करता है। ऐसे भगवान की राम देखो, भगवान के नाम की महिमा ये चीज को समझो। जब उन्होंने बाण मारे उसी समय में भगवान का नाम भगवान से बढ़ करके अभी एक नाम रूपी चक्र चारी तरफ में घूम रहा है। नाम रूपी चक्र उनकी चारी तरफ में ये चक्र घूम रहा है। जब वो बाण मार रहे थे बाण तो जाता है लेकिन वो चक्र में लग करके गिर जाता है, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था बाण। इतने में लक्ष्मण को तो बड़ा क्रोध आया। बोले भैया ये तो भैया को तंग कर रहा है, हैं? ये भैया को तंग कर रहा है। इतने में लक्ष्मण ने बाण उठाए
उठा करके सुकांत गोपर बली इसने हनुमान जी पूछ को नीचे बैठा करके रखा, इसलिए उन्होंने सीधा तो हनुमान के ऊपर उन्होंने बाण मार दिए। और बाण मारे तो वो बाण तो गया लगा श्री प्रभु राम की छाती में, लेकिन छाती में लगा प्रभु राम हनुमान जी की छाती में लगा, लेकिन लगते ही ना इतने में श्री भगवान राम मूर्छित हो गए, क्योंकि हनुमान जी को छाती में कौन बैठा हुआ है, हनुमान जी के हृदय में कौन बैठे हैं, भगवान राम बैठे हैं। इसलिए हनुमान की छाती में लगते ही भगवान राम बेहोश हो गए। जब भगवान राम बेहोश हो गए, जब प्रभु राम की होश आया, इतने में भगवान राम ने श्री सुकांत जी को बोले, बोले सुकांत ये बताओ तुम्हारी बुद्धि को किसने बिगाड़ा, कौन सा संघर्ष है तुम्हारी बुद्धि ऐसे हुई जो कि गुरु जी के चरण में तुमने प्रणाम नहीं की। बोले ठाकुर जी हैं ऐसे कोई असत संघ से नहीं, ये सत्संग से हुई है। बोले भैया कौन सा सत्संग से, बोले नारद जी की, ये नारद जी ने ये बात बताए। इतने में श्री नारद जी आए, बोले नारद जी तुमने ये सब लड़ाई क्यों करवाए, झगड़ा क्यों कराए। बोले प्रभु मैं जहां जहां जाता हूँ सबके सब मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान बड़ा ना उनका नाम बड़ा, सारा दुनिया में मेरे को एक ही प्रश्न सब करते हैं। मैंने कहा भैया कितना मैं उतर दूं, इसलिए ऐसे कुछ काम करो दुनिया को ये पता चले जाए, क्या पता चले जाए। बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, संत में निकलाया करना, संत में निकलाया करना, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु सागर को रंग के कूद गया हनुमान उसी को, कूद गया हनुमान उसी को, कूद गया हनुमान हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए प्रभु मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता था हरि से बड़ा हरि का नाम। देखो ये चीज को समझो, जब हम भगवान के नाम जप करते हैं ना, स्वयं भगवान का नाम हमें रक्षा करते हैं। राम भी तुम्हारी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, राम भी तुम्हारी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, अगर प्रभु का नाम को अगर हम जप करें। इतने भगवत नाम की महिमा, इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं ये हरिनाम सबको जप करनी चाहिए, मुक्त पुरुषों को जो अभय बना चाहते हैं, और जितने सारे शास्त्र का जो निचोड़ है वो भगवान के नाम है। जो व्यक्ति ठाकुर का नाम जप कर रहे हैं, ये समझो हमने सारे वेद पुराण उपनिषद हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अगर सारे ग्रंथ शास्त्र हमने पढ़ लिया लेकिन ठाकुर का नाम में ही तुम्हारी रुचि नहीं, समझ सब पढ़ाई लिखाई तुम्हारी ये सब के सब लिखाई पढ़ाई तुम्हारी जीरो है। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते क्या करो, ठाकुर जी के नाम जप करो। और महाप्रभु तक ये कहते हैं है? कि शयन है कि भोजन है कि बात अहर निशा चिंत कृष्ण बोला भजन। महाप्रभु कहते हैं चलते उठते बैठते सोते खाते क्या करो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं जज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। कदि एक ही ब्रह्म है, लेकिन एक ब्रह्म की तीन अभिव्यक्ति है,
और उनकी तीन प्रकाश और तीन तरह के भक्त हैं। बोले एक भगवान के तीन स्वरूप क्या है, कहते ब्रह्म स्वरूप है और एक परमात्मा स्वरूप और एक भगवत स्वरूप है। और इनके तीन उपासक, कहते एक ज्ञानी, एक योगी, एक भक्त और एक कर्मी भी है, हैं? लेकिन होने पर भी, लेकिन उनकी संपूर्ण रूप में स्वरूप की अभिव्यक्ति किसी में है? ये ब्रह्म स्वरूप में भगवान की आंशिक प्रकाश है। इसलिए शास्त्र में बताया, बोले जत अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तत्पश्य तनुभा, कहते जो ज्ञानी लोग जिसको ब्रह्म कहते हैं, एक ज्योति स्वरूप देखते हैं, वो कौन है? बोले तनुभा। तनुभा मतलब भगवान इतने प्रकाशमय है, भगवान की शरीर इतने ज्योति प्रकाश स्वरूप है, कहते इनका शरीर का ज्योति ही कहते ये ब्रह्म है। कहते ये परमात्मा कौन है? बोले ये भगवान की अंश है। लेकिन ये कृष्ण राम कौन है? बोले ये सर्व ऐश्वर्य युक्त पूर्ण परम ब्रह्म भगवान कृष्ण ही, वह भगवान जो राम है, कहते ये सर्व ऐश्वर्य पूर्ण ये भगवान है। इसलिए यह चीज को उदाहरण देने के लिए हमारे श्री कृष्णदास गोस्वामी और श्रीमान महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को एक सुंदर शिक्षा दी। देखो ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय कोई एक बहुत बड़ा दरिद्र था, एक सर्वज्ञ ने उसको देखा, बोले भैया इधर आ, तू क्यों रोड रोड में भटक रहे हो? बोले घर में खाने पीने पहनने के लिए कुछ नहीं। सर्वज्ञ ने कहा, देखा? बोले देखो तेरे ललाट देख करके मैं देख रहा हूँ, तेरे जो घर में है ना, एक सोने की कलसी में हीरे जवाहरात गड़ा हुआ है, तेरे पिताजी मेरे मित्र लगते हैं। बोले देख बेटा, घर का चार दिशाएं हैं, तुम दक्षिण दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, उधर रहते हैं एक अजगर सर्प, अगर उधर खोदोगे वो सर्प तेरे को निगल जाएगा। उत्तर दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, उस तरफ में रहते हैं ततैया। ततैया छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं आपको पता होगा, अगर चार पांच अगर तुमको काट दिया ना, बस तुम्हारी राम नाम सत्य हो जाएगी। और तुम पश्चिम दिशा की मिट्टी नहीं खोदना, उधर रहता है एक जक्ष, अगर वो निकलेगा तो तुमको खा जाएगा। लेकिन जो मिट्टी है ना, ये पूर्व दिशा का मिट्टी केवल थोड़ी सी खोदोगे, बस धन की झारी निकलेगी, माला माल हो जाओगे। उसने कहा, भैया मेरे पिताजी मेरे लिए सोने की कलसी में हीरे जवाहरात गाड़ कर गए, मेरे को पता नहीं, और हम इतने दुखी हो रहे हैं। वो गया सचमुच से, केवल थोड़ी सी मिट्टी हटा दी ना, वो एकदम सोने की झारी निकली, और एक एक रत्न को बेचा तो अरब खरब रुपया हुआ। हाँ देखो महाप्रभु क्या सिखा देते हैं। क्या देखो, कहते भैया ये उत्तर दिशा क्या है, जिधर ततैया, ये चीज को अच्छे तरह समझो। बोले ये कर्म मार्ग है भैया, कर्म मार्ग में मत फंसा करो, क्योंकि हम संसार में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? इसी जीवन में जो कर्म किया दूसरे जीवन में भोग कर रहे हैं, दूसरे जीवन में भोग करके तीसरे जीवन में कर्म, तीसरे जीवन में जो कर्म चौथे जीवन में फिर जन्म ग्रहण करोगे। हम ये 84 लाख जन क्यों भटक रहे हैं ये कर्म चक्र में? इसलिए कर्म मार्ग में मत फंसना, नहीं तो दुख कष्ट भोग करोगे। बोले भैया तुम दक्षिण दिशा का मिट्टी नहीं खोदना। बोले उधर कौन है? बोले ये अजगर सर्प है। बोले ये अजगर सर्प कौन है? बोले मुक्ति मार्ग। ये कौन सा मार्ग है? ये मुक्ति मार्ग में फंसना नहीं। जो लोग कहते ना, अरे भगवान तो एक ज्योति है, और लास्ट में क्या करो, वो ज्योति में ही अपना सत्ता को लीन कर दो। भैया उधर मत जाया करो, वो एक तरह का सुइसाइड आत्महत्या है, वो एक तरह का आत्महत्या है। अगर वो ब्रह्म ज्योति में मिल गया ना, जैसे कि पत्थर पड़ा रहता है, ऐसे पत्थर जैसे पड़े रहोगे और कुछ नहीं है। इसलिए उधर भी फंसना नहीं। फिर बताए, देखो ये दक्षिण दिशा में पश्चिम दिशा का मिट्टी मत खोदना। बोले उधर कौन? बोले एक यक्ष रहता है, ये भूत प्रेत रहता है, वो भी तुमको जान से खा जाएगी। बोले ये कौन सा मार्ग? बोले ये जोग मार्ग। ये जोग मार्ग में भी नहीं फंसना, लेकिन किधर जाना? बोले पूर्व दिशा। पूर्व दिशा मतलब भक्ति का मार्ग, भक्ति भक्ति मार्ग है। कहते उधर अगर थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे ना, वो सोने की झारी निकलेगी। तात्पर्य क्या है? भक्ति अगर थोड़ी सी भगवान के नाम लो,
थोड़ी सी भगवान का कीर्तन करो, भगवान की भक्ति में आनंद आनंद है, भक्ति मार्ग में रसी रस है। इसलिए कहते हैं ना, सबके सब पार्टी में जाना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले पार्टी में तीन काम होता है, ईटिंग, डांसिंग और सिंगिंग। बोले भैया बीच बीच में क्यों पार्टी करो, रोज रोज पार्टी करो। देखो हमारे यहाँ रोज रोज पार्टी हो रहा है ना, है? इसलिए सिंगिंग हमारे श्री है क्या नाम है हेमंत प्रभु जी कितने सुंदर भजन गाते हैं, गाओ तो ठाकुर का ही कीर्तन करो। डांसिंग सबके सब आप नाचते हो है, और ईटिंग और बाद में आपको प्रसाद मिलता है। कल कितना सुंदर दाल और पनीर और क्या बना, बड़ा बनाए थे, सूजी की हलवा, चावल, रोटी चकाचक, रोज प्रसाद हो रहा है, रोज प्रसाद। इसलिए कहते भैया बीच बीच में क्यों पार्टी करोगे, रोज रोज पार्टी करो, रोज रोज भगवान की कीर्तन नाम भगवान की भक्ति करो, रोज ही पार्टी करो, मंदिर में रोज ही पार्टी होता है। इसलिए जो भक्ति मार्ग है ये बड़ा सरल मार्ग है। इसलिए श्री सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची, गा सकते हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यद्यपि बहुत तरह का बंधन है लेकिन सबसे बड़ा बंधन किया, बोले प्रेम का बंधन। भगवान प्रेम से जितने जल्दी बंध जाते हैं, इसलिए आप लोग कभी नहीं सुने होंगे ज्ञानी का भगवान, कर्मी का भगवान, योगी का भगवान, भगवान किसके हैं? बोलो जोर से, भगवान किसके हैं? भगवान, भगवान केवल भक्त का ही भगवान है। इसलिए भगवान को बताए, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधेश। कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, 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 Thank you.
सेवा प्रेम के प्रेम के सेवा प्रेम के अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए भगवान का जो सर्वप्रथम अवतार ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्र सनक सनातन सनदन और सनत कुमार रूप में ठाकुर जी जगत में अवतीर्ण हुए। भगवान की जो दूसरा अवतार है ठाकुर जी बराह रूप में अवतार हुए। देखो कहते हैं शाम का समय में चार काम नहीं करनी चाहिए, कितना काम नहीं करनी चाहिए, कहते चार काम, बोले चार काम किया है, बोले पहला नंबर एकदम शाम का समय में भोजन मत करो, जो शाम का समय में भोजन करेगा उसका पेट का रोग कभी सही नहीं होगा, उसको उधर पीड़ा होगी उसको। दूसरा काम है शाम को कभी भी विश्राम मत करो, सो मत, जो व्यक्ति शाम को सोएगा वो निर्धन वो दरिद्र बन जाएगा, उसके घर में मां लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकेगी उसके घर में। तीसरा काम है पढ़ाई मत करो, जो पढ़ेगा वो सब कुछ भूल जाएगा, उसको याद नहीं रहेगी। चौथा काम है शाम का समय में स्त्री को साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए, कभी हिरण्य की हिरण्यकश्यप क्यों जन्म हुई, ठीक शाम का समय था, एक समय तिथि ने बड़ी सुंदर श्रृंगार की, शीशा को सामने खड़ी होकर राजकुमारी, ठीक था शाम का समय,
श्रृंगार करके वो इतना जब अपना रूप देखी वो इतने कामातुर हो गई, श्री पति को पास में गए, कश्यप जी को पास में मिलने के लिए चाहे। कश्यप जी ने कहा देखो दीदी ये समय सही समय नहीं, ठीक शाम का समय में नियम है ठाकुर का सेवा पूजा भक्ति ठाकुर जी का आरती ये सब करनी चाहिए, क्योंकि इसी समय शंकर जी भूत प्रेतों को लेकर के घूमते हैं, इसलिए ये समय अच्छी नहीं। लेकिन वो इतने काम में आतुर हो गई थी, अपना पति को साथ में मिली। कश्यप जी ने कहा तुमने अच्छा काम नहीं किया, तेरे पेट में दो राक्षस जन्म लेंगे, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। देखो यहाँ पर माताओं को शिक्षा देते हैं, देखना कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बड़े ही पिताजी के आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ कुछ बच्चे इतने उद्यमी इतने दुष्ट पिता माता को सताते हैं, बड़े दुख कष्ट देते हैं। दोष किसका है? माँ की, ये माँ की दोष है, क्योंकि जिस समय गर्भ में वो बच्चा आता है नियम है अच्छे तीन से बच्चा आना चाहिए। दूसरा चीज है एक तो गर्भाधार, जिस समय में बच्चा गर्भ में आया। दूसरी चीज है गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार मतलब होता है जब पेट में बच्चे रहे, अगर माताएं गीता पढ़े रामायण भागवत पढ़े आप देखना वो बच्चा इतने बढ़िया बच्चा जन्म लेगा, इतने होनहार इतने मेधावी और इतने पिता माता की आज्ञा पालन करेगा जो सोच नहीं सकते। आप लोगों ने लवकुश का चरित्र पढ़े होंगे, जब लवकुश माता सीता की गर्भ में थे एक दिन अयोध्या में भगवान राम ने बड़े बड़े संतों को एकत्रित किए, इतने में माता सीता के लिए एक आसन दिए। भगवान राम बोले सीते तेरे को बताएं आज इतने बड़े बड़े संतों को मैंने क्यों बुलाया? बोले क्यों? बोले तू अभी गर्भवती है ना, इसी समय अगर तू सत्संग सुनोगे तेरी गर्भ में जो बच्चा जन्म लेगा वो बड़े सद्गुण संपन्न होगा, बड़े मेधावी होगा, वही बच्चे लवकुश बने। अब देखे वो लवकुश को क्या पराक्रमी, क्या बुद्धि, क्या तेजस्वी, क्या रामायण को कैसे कान करते थे, जिसको सुन करके राम भी स्वयं चकाचौंध हो गए। इतने छोटे छोटे बच्चे धनुर्विद्या में सबको उन्होंने धराशायी कर दिए। इसलिए क्यों ऐसे हुए? चूंकि गर्भ में बच्चे रहते समय माता सीता ने क्या की? उन्होंने संतों की संग की, भगवत कथा सुनी, हैं? इसलिए इतने तेजस्वी हुए। आप लोगों ने महाभारत भी देखे होंगे, देखे हो ना महाभारत, जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, लेकिन ये चक्रव्यूह भेद केवल अर्जुन जानता था और कोई नहीं जानते थे। अर्जुन दूसरे तरफ में युद्ध करने के लिए चला गया, अब ये चक्रव्यूह कौन भेद करेगा? अभिमन्यु का मैं करूंगा। बोले तेरे को कहां से सीखा तुमने? केवल अर्जुन सिवाय कोई नहीं जानते हैं। तो उसने कहा देखो जब मेरे पिता माता सो रहे थे, मेरी मैया का नाम क्या है? सुभद्रा। एक दिन सुभद्रा अर्जुन को पूछे सोते समय, बोले ये चक्रव्यूह क्या होता है, आप थोड़ी से सुनाओगे? तो अर्जुन चक्रव्यूह की बात उन्होंने सुनाया, कैसे भेद करोगे, लेकिन अभी कैसे निकलोगे अभी बताने जा रहे थे। इतने में सुभद्रा सो गई, जब सो गई बोले सुना करे क्या होगा। अभिमन्यु कहता है जब माँ के पेट में था मैं वहीं पर सुन रहा था, सुनते सुनते मैंने चक्रव्यूह कैसे भेद करके मैंने सीख गया, लेकिन वापस नहीं आ सकता हूं। भीम ने कहा कोई चिंता मत कर, चक्रव्यूह को भेद कर लो, मैं फिर वापस ले आऊंगा। देखो ये गर्भ संस्कार कितने बड़ी संस्कार। पहले नियम होता था जब गर्भवती होती थी ना उल्टा पुल्टा डिस्को डांस नहीं देखते थे, गंदी गंदी पिक्चर नहीं देखते थे, रामायण गीता भागवत पढ़ते थे, तब बच्चे संस्कारी। अभी क्यों इतना बच्चे जहां जाओ ना बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं, क्यों? कारण है गर्भ में बच्चे रहते समय हम उल्टा पुल्टा गंदी गंदी पिक्चर देखते हैं, वो सब के सब वो बच्चे के ऊपर में सारे को सारे ये असर पड़ता है बच्चे, इसलिए बच्चे इतने उद्यमी होते हैं। इसलिए यहाँ पर कदि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म हुए, दीति दुखी हो गई, मेरे अपराध को माफ कर दो, मेरी अपराध हो गई माफी मांगे, तो बोले ठीक है मैं तुमको माफ कर देता हूँ, लेकिन बेटा तो तुम्हारे राक्षस बनेगा, ये हिरण्यकश्यप हिरण्यक बनेगे, लेकिन तुम बेटा का बेटा जो होगा ना भगवान के परम भक्त श्री प्रह्लाद रूप में जन्म ग्रहण करेगा। इसलिए हिरण्यकश्यप का बेटा कौन हुआ? ये प्रह्लाद हुआ। और जिनके कारण से जब उसको पिताजी ने पूछे बताओ तेरे हरि कहाँ है, बोले बताओ मेरे प्रभु है नहीं कहाँ तो बताओ, बोले खंभे में मैं क्या है
बोले मेरे को तो दिख रहा है प्रभु मुस्कुरा रही, मारे मुष्टि का घात तो खंबा फट गया, साक्षात भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। श्री नरसिंह भगवान की जय। कहते भगवान का दूसरा अवतार बराह अवतार, जिस समय ये पृथ्वी रसातल में चली गई थी, इतने में ब्रह्मा जी छींके तो उनका नासिका से मच्छर जैसे प्राणी जन्म लिया, और देखते देखते उन्होंने विशाल श्री बराह रूप धारण किए, पृथ्वी को उन्होंने ला करके अपना धुरी पर स्थापन की, फिर मनु महाराज ने ये सृष्टि का प्रारंभ किया। कहते भगवान का दूसरा अवतार है, बोले भगवान का तीसरा अवतार कौन, बोले श्री नारद जी। लेकिन जगत में नारद जी का बड़ा बदनामी है, हम कहते ना तुम क्या नारद जी का काम कर रहे हो, बोलते ना मतलब क्या तुम लड़ाई लगा रहे हो झगड़ा, ऐसे नहीं, भगवान की हर लीला में नारद जी। रामायण का मूल अगर पात्र देखो ये नारायण है, ये नारद जी। कृष्ण लीला का मूल देखो ये नारद जी, सब लीला में नारद जी सबसे पहले, इसलिए नाम नारद मतलब क्या, नर मतलब रस, द मतलब सबको जो रस देते हैं, नर मतलब ज्ञान सबको जो ज्ञान बांटते हैं, नर मतलब आसक्ति, द मतलब खंडयति जो आसक्ति का जो खंडन करते हैं, और नार मतलब होता है नारद नारद, जहां पर कभी रद्दी नहीं होते, हर जगह में है जिनकी जय जयकार श्री ये नारद जी। इसलिए जिस समय श्री कश्यप जी, हाँ जिस समय श्री दक्ष प्रजापति, इन्होंने 10,000 संतान को उन्होंने सृष्टि की, पहले मानस की सृष्टि होता था, तब उन्होंने लिखाई पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गुरु के पास में, पहले नियम होता था गुरु जी के पास में जाकर पढ़े, जब उनकी पढ़ाई हो गई, गुरु जी कौन थे, बोले नारद जी, अभी पढ़ाई लिखाई समाप्त तो हो गई, अभी घर गृहस्थी में जा रहे हैं, बोले देखो बच्चों घर गृहस्थी करने जा रहे हो, पहले समझ लो ये संसार क्या है, नहीं तो फंस जाओगे। तो उन्होंने उनको कुछ कूट प्रश्न किया, देखो इनका प्रश्न किया है, पहला प्रश्न है बताओ तो ऐसे कौन सा हंस है जो विचित्र बात करता है, विचित्र बात करता है। बोले गुरु जी हंस थोड़ी बोलता है, बोले यही तो प्रश्न है, ऐसे कौन सा हंस जो विचित्र बात करता है, बोले ये ग्रंथ वेद पुराण उपनिषद है, ये क्या विचित्र बात करता है, बोले तुम इसी संसार का नहीं हो, तुम रिफ्यूज हो करके 2 दिन के लिए यहाँ पर आए, इसलिए बैक टू गॉड हेड, अपना घर में लौट चलो, ये तुम्हारी घर नहीं, इसलिए अपना घर में लौट चलो, तुम कौन हो, तुम अमृतस्य पुत्रा, तुम भगवान की संतान हो, भगवान की भूलने के वजह से भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया है ये जेल में तुम आए हो। उनका दूसरा प्रश्न है, बोले बच्चों ये बताओ ऐसे कौन सा बील है जो बील में एक बार घुस जाओ निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। बोले गुरु जी किसी बील में चले जाएंगे तो निकल ही जाएंगे, बोले प्रश्न तो यही है, वो ऐसे कौन सा बील है जिस बील में एक बार घुस जाओ निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। अब लोग बताओ तो ऐसे कौन सा बील, बोले ये घर गृहस्थी है, ये घर गृहस्थी है। आप देखो जितने निकलना आप चाहते हो ना उतना दल दल में जैसे हाथी फंस जाती है, जैसे मकोड़े जैसे चाल बना बना करके लास्ट में उसी में ही प्राण त्याग दे देता है, ये घर गृहस्थी ठीक वैसे ही है। आप सोचोगे बच्चे को थोड़ी सी लिखा पढ़ा सिखा ले बस खत्म हो जाएगा काम, लिखा पढ़ा हो गया फिर बच्चे को नौकरी चाकरी दिला दे, नौकरी चाकरी दे दे उसको, बाद में बच्चे को हम शादी करवा दे, ठीक है, मतलब बच्चे को हम शादी करा दे फिर तो लगता है हमारे सारे काम खत्म हो जाएगा, फिर उसको बाद में खूब सत्संग में जाएंगे, कहाँ जाओगे, खूब सत्संग में जाया करेंगे भजन करने के लिए। लेकिन बच्चे को जो शादी दे दिया ना, घर में बहू आ गई, उसको पहले थोड़ी सत्संग में चली जाती थी, जो बहू आ गई फिर नाती हो गई ना, बोले बहुत ताना मारी के बोले डोकरी घूमती रहती है, कोई काम धंधा है नहीं, बच्चे को पकड़ना नहीं पड़ेगा, बच्चे को खिलाने नहीं पड़ेगा, घूमती रहती है इधर उधर से। आप देखना संसार में जितने आप वृद्ध होते जाओ उतना देखना घर गृहस्थी की समस्या उतना ही आ जाती है। इसलिए ये संसार जो घर गृहस्थी कदी ये ऐसे के बील है जो बील में फंसो तो निकलने का तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगी। इनका तीसरा प्रश्न है
लोग से प्रश्न करता हूँ, इसका उत्तर आप देना, ध्यान देकर सुनो। इसे कौन सा नदी है जो एक साथ में दो तरफ में बहती? कौन बोले हाथ उठाओ। ऐसे कौन सा नदी, आप लोग नदी देखे होंगे ना, अब देखना पानी एक तरफ में बहती है। इनका प्रश्न है ऐसे कौन सा नदी जो एक साथ में दो तरफ, कौन बोले हाथ उठाओ, कौन बोले हाथ उठाओ। ऐसे कौन सा नदी जो एक साथ में दो तरफ में वो नदी बह रही है, कौन बोलेगा हाथ उठाओ। कोई तुम लोग ने कोई कथा को नोट नहीं करते ना, केवल आकर बैठ जाते हो यहाँ पर, इसलिए कहते ये जन्म और ये दो तरफ में बहती है। देखो जैसे जन्म हुए, हम जितने इधर बैठते बैठते जा रहे हैं उतना परमायु इधर घटते घटते जा रहे हैं। कहते कितने उम्र हो गए, बोला 20 साल के हो गए। हम 20 साल के नहीं हो गए, हमारा जो परमायु फिक्स था वो 20 साल घट गया है। हम कोई बड़े नहीं हो रहे हैं, हम सबके सब छोटे होते जा रहे हैं। ये जन्म और मृत्यु है, कद एक साथ में जितना इधर बढ़ते जा रहे हैं इतना उधर घटते, हम कोई बढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए इनका पंचमा प्रश्न है, बोले पिताजी का आदेश क्या है, पिताजी की आदेश क्या है। बोले पिताजी तो बोले, और बोले ये पिताजी नहीं, तुम्हारे जो परम पिताजी जो भगवान आदेश हमें दिया है, बोले उनका एक ही आदेश है, स्मर्तव्य सततम् विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित्तः। उनका एक ही आदेश है, हर समय उनको स्मरण करते रहो, और एक निषेध है कभी उनको भूल मत, उनको कभी भूलना नहीं। और आदेश किया हर समय उनको स्मरण करते रहो, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं खाते उठते बैठते सोते क्या करो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अरे बार आप लोग बोलो, मैं सुनूंगा जोर से, हरे कृष्ण और जोर से, इसलिए कहते हैं भगवान की उन्होंने ऐसे उपदेश बच्चों को दिया, सारे को बच्चे को बच्चे सबके सब भक्त बन गए, सब भगवान की भक्ति सब रम गए। कहते हैं भगवान की तीसरा अवतार है भगवान श्री नारद रूप में, उन्होंने भगवत भक्ति एक ग्रंथ इनको बना दिए। मैंने घर घर में गया, घर घर में पूछा, एक व्यक्ति को हमने कभी सुखी में नहीं देखा, सबके सब दुखी है प्रभु जी। लेकिन ये जीव तो दुखी रहेगा, ये दुखी रहेगा जब तक ये भगवान के स्मरण में शरण में नहीं जाएगा। इसलिए गोकर्ण कहते हैं बोले न चंद्रस्य सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्तिना। अगर कोई सोचे अगर स्वर्ग का इंद्र बन करके सुखी हो जाएंगे, कितना बार पता नहीं वो सुर बना। अगर कोई यहाँ थोड़ी सी भक्ति करना शुरू कर देना, पहले उसका आसन डगमगाना शुरू हो जाता है, पहले वो दुखी दुखी मेरे आसन को छीन नहीं लेते। बोले एक व्यक्ति सुखी है जो भगवान की शरण में गया है, भगवान की भक्ति शरण में गया है, केवल वही प्रभु की कृपा से वही व्यक्ति सुखी है। बोले प्रभु लेकिन आपकी भक्ति करने पर जीव सुखी बनेगा, लेकिन ये सीखेगा कहां से, आपसे तो सीखेगा ना, क्योंकि बड़े व्यक्ति जो करे छोटे व्यक्ति उसको देख करके सीखते हैं, बड़े व्यक्ति को देख करके छोटे सीखते हैं। आप तो दुनिया की मालिक हो, आपको देख करके दुनिया सीखेगा। बोले नारद जी क्या देख कर सीखेगा, बोले आप कर रहे हो क्या, अनंत नाग बरसैन किए हुए माँ लक्ष्मी अपना गोद में आपकी चरण तो लेकर पलट रही है। दुनिया बोलेगा भैया जब भगवान अपना लक्ष्मी को दिन भर लेकर पड़े हुए, हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर हम भी दिन भर पड़े रहे। बोले नारद जी स्पष्ट रूप में बताओ क्या करना चाहिए। बोले प्रभु हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को भी सुख नहीं मिला। इसलिए जब जीव भक्ति करेगा तब सुखी मिलेगा, इसलिए जब लेकिन आप जब तपस्या करेंगे तभी तो जीव तपस्या करेगा, इसलिए आप थोड़ी सी शिक्षा दो जीवों को। बोले ठीक है नारद जी मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। बोले भैया कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए,
तो उन्होंने भ्रमण करते करते पहुंचे बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ गए हो, हाथ उठाओ। कौन कौन बद्री पे हाथ नहीं उठा रहे, क्या चक्कर है? कौन जाना चाहते हो बताओ, हाथ उठाओ। कौन जाना चाहते हैं? देखो हम कुछ व्यवस्था है बद्रीनाथ में, जैसे बताए आप दूसरी जगह पर कथा होने पर जो आपको फल मिलेगा, बताया अगर बद्रीनाथ में अगर कथा हो ना तो उसका 1000 गुण फल मिलेगा। कितना गुण फल मिलेगा, कितना गुण मिलेगा तो उसका 1000 गुण फल मिलेगा अगर बद्रीनाथ में अगर कोई कथा करे बा कथा सुने। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये बद्रीनाथ में भी कभी भगवान की भागवत कथा हो, लेकिन हम व्यवस्था कर रहे हैं हाँ आप लोगों को फ्री में रहना और फ्री में प्रसाद मिलेगा। कोई पैसा की जरूरत नहीं, रहोगे फ्री में और प्रसाद भी फ्री। लेकिन आपको जाना आना जो किराया आपको देना पड़ेगा, केवल जाना आने का किराया देना पड़ेगा। लेकिन और सब जितने दायित्व तो है, कोई एक भक्त ने बताए हैं कहते सारे पैसा के मैं व्यवस्था करूंगा, लेकिन जाने आने का केवल आप लोग व्यवस्था करना, ठीक है? इसलिए वहां पर भगवान ने बताए बोले कलिजू का जो जीव तपस्या नहीं कर सकते हैं उन्हीं के लिए मैं तपस्या करता हूँ। अगर कोई केवल बद्रीनाथ में आए एक बार मुझे दर्शन कर ले, दर्शन मात्र से ही मैं जो तपस्या कर रहा हूँ मेरी तपस्या का जो छठवां भाग का फल वो दर्शन मात्र से ही उसको प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान की वरदान है। इसलिए वहां पर भगवत दर्शन की बड़ी महिमा, इसलिए हम कोशिश करेंगे आप सबको एक बार वहां पर ले जाने के लिए, ठीक है? बोले श्री बद्री विशाल की जय, बोले श्री बद्री नारायण की जय। यदि भगवान की ये चौथा अवतार है, ऐसे ही उन्होंने मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम कृष्ण बुद्ध कल्कि उन्होंने सब अवतारों के उन्होंने नाम को लिया। लेकिन लेते लेते उन्होंने बोले ये जो कृष्ण है ना ये भी एक अवतार है। सुतो गोस्वामी इतना बोलकर डर गए, बोले क्यों? बोले ये कृष्ण अवतार नहीं, कहते ये कृष्ण अवतारी। अवतारी मतलब क्या? बोले जिनसे ये सारे अवतार आए हैं, जितने अवतार इनसे आए हैं। इसलिए एक कवि जयदेव गोस्वामी हुए हैं, देखो उन्होंने एक दशावतार स्तोत्र लिखे। उस स्तोत्र में कहते हैं बोले प्रलयो पयो धी जले धृत बान शिवेदम पीता बही त्रच के अवधीता मीना शरीरा के सबधीता मीना शरीरा जय जगदीता रे जय जगदीता केशव ही जुग जुग में अवतार में कभी बराह अवतार में कभी नरसिंह में कभी उन्होंने वामन अवतार में ये भगवान कृष्ण ही अवतीर्ण हुए। इसलिए जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म, ये कृष्ण है, ये कृष्ण ब्रह्मा भी कहते हैं। बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजोपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। कुछ है ही नहीं, सारा दुनिया मेरे अंदर में विद्यमान है। उन्होंने उदाहरण दिया
जैसे एक फूलों की माला हम बनाते हैं एक एक, लेकिन बीच में धागा होती है, हम एक एक फूल को पो पो करके एक माला बनाते हैं, लेकिन ऊपर में क्या दिखती है, एक माला, लेकिन चुके क्यों एक माला बनी हुई, लेकिन उसमें धागा है तभी एक माला बनी हुई है, अगर धागा को तोड़ दो ना सब बिखर जाएगा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये विश्व ब्रह्मांड मेरे में ही सब के सब ग्रंथित हैं, इसलिए मेरे से कोई पर तत्व जगत में कुछ नहीं। इसलिए कृष्ण लास्ट में जाकर कहते हैं अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। देखो ध्यान देकर सुनो, जगत में 33 करोड़ देवता है, बताओ कितने को संतुष्ट करोगे? आज अगर एक देवता को पूजा किया मनाया, कल दूसरे देवता मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे, दूसरे देवता को मनाओ तो तीसरे देवता मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे। इसलिए जगत में हमारे कितना देवता, बोले 33 करोड़ देवता। अगर दिन में 1 करोड़ देवता को पूजा करोगे ना, करोड़ देवता, महीना में कितना हो गया, 30 करोड़, फिर 3 करोड़ बाकी रह जाएंगे। लेकिन ये कृष्ण ऐसे के देवता है, कृष्ण ऐसे के देवता है। इसलिए यहाँ दो उदाहरण देकर बताए, तरोड़ मूलम निश्चन त्रिपंती तत्सका। देखो आप लोग ध्यान देकर सुनो अच्छी तरह से, इसमें भागवत में दो उदाहरण दिया है। जैसे एक पेड़ है, अगर पेड़ का जड़ में पानी दो फिर उसका पत्ते फूल में पानी देने का कोई जरूरत नहीं, वो सारे पेड़ हरा भरा रहेगी। अगर आपने जड़ में पानी नहीं दिया, दिन भर उसको पत्ते को धो, उसको टहनिया को फल को धो, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं, पेड़ जिंदा रहेगा नहीं रहेगी। दूसरा उदाहरण दी, प्राणो उपहारास्त जथेन्द्रियाना, हम भोजन कहाँ देते हैं, क्या कान में देते ना, आंखों में देते हो, कहाँ पर भोजन देते हो, मुंह में, मुंह में भोजन दे दो वो पेट में जाएगा तो सारे इंद्रियां अपने आप संजीवित हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बोले क्यों कान में सुनते ना तो डाल डाल दो, बोले आंखों में देखते थोड़ा रोटी दे दो, हाथ में काम करते हैं उसमें थोड़ा सब्जी दे दो, ऐसे कोई करते हैं? भोजन कहाँ, मुंह में, मुंह में भोजन दे दो पूरा तुम्हारी सारी इंद्रियां एकदम संजीवित ताजी रहेगी। बोले उसी तरह जब हम भगवान अच्युत को पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण को पूजा करते हैं, तो ब्रह्मांड है, शंकर भी उनके अंदर में, मैया देवी भी उनके अंदर में, गणेश हनुमान ये इंद्र चंद्र वायु किसको अंदर, भगवान कृष्ण के अंदर में। जब भगवान कृष्ण को अंदर में सब कुछ, जब आप कृष्ण प्रणाम कर दिया किसको प्रणाम हो गया, विश्व ब्रह्मांड को प्रणाम करना हो गया। इसलिए कहते जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे मोदी। मोदी का नाम सुने होंगे, मोदी ने किसको अग्नि मंत्री बना दिया, किसको वायु मंत्री, किसको वित्त मंत्री, किसकी अर्थ मंत्री, उन्होंने अलग अलग मंत्रियों को नियुक्त कर दिया। लेकिन जब कोई व्यक्ति मोदी की पास, मोदी को पास में शरण में गए, फिर अपने आप तुम्हारी पीछा छोड़ देंगे, कोई फिर तुम्हारी पीछे नहीं लगेगा। अगर इनकी शरण में नहीं आओगे ना, सारे देवता तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। इसलिए क्या कर तेजांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुल लोकम मृढ़यन्ति जुगे जुगे। यही कृष्ण ही जुग जुग में, यही कृष्ण ही अलग अलग अवतार रूप में आकर के जगत को रक्षा सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, कर नहीं दे रहा। बोले श्री बांके बिहारी की जय, जय जय श्री राम। इसलिए हमारे श्री जीव गोस्वामी कहते हैं भैया ये कृष्ण जैसे पूर्ण ब्रह्म है, कहते उनका नाम भी ना, उनको नाम भी पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए कृष्ण नाम करने से सबका नाम करना कृष्ण नाम से हो जाते हैं। इसलिए श्री जीव गोस्वामी एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न, बोले प्रभु हम नाम ले तो किसकी नाम ले, बोले पार्वती आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधना परम, जगत में जो सर्वश्रेष्ठ आराधना ये भगवान विष्णु की है, विष्णु का सहस्र नाम 1000 नाम। तभी से माता पार्वती
1000 नाम को माता पार्वती ग्रहण करती थी। कुछ दिन जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम को ग्रहण करते हैं उनको जो फल मिलेगा, अगर एक बार श्री राम का नाम ले ले तो वही फल मिलेगा पार्वती, इसलिए राम नाम में बड़ा मीठा है। तब से माता पार्वती भगवान राम के नाम लेती थी। कुछ दिन बाद में फिर शंकर जी बुलाए, बोले पार्वती ये राम नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले प्रभु कौन सा नाम है? देखो ये सब श्लोक है। बोले सहस्र नाम नाम पुण्य नाम त्रिराधा तु जत फल एका वृत्वा तु कृष्णस्य नामैक तद प्रजच्छति। विष्णु सहस्र नाम को 3 बार लेने से जो फल मिलेगा, एक बार से नाम को ले ले तो वही फल मिलेगा, इसलिए जो कृष्ण पार्वती कृष्ण है ये सोलह कला में परिपूर्ण। पार्वती बोली फिर तुम्हें कृष्ण का ही नाम लो। बोले हाँ पार्वती कृष्ण का ही नाम लो। जब उन्हें कृष्ण नाम ले रही थी, कुछ दिन बाद में फिर शंकर जी बोले, बोले पार्वती इधर आओ, तेरे को एक रहस्य बात बताऊंगा जो बात मैं किसी को भी नहीं बोले। बोले प्रभु क्या बताओ? बोले एक कृष्ण एक बार केवल श्री राधा रानी का नाम एक राधा नाम समान नाम के बराबर, इसलिए आप वृंदावन में जाओ सबके सब किसका नाम लेते हैं जोर से। कहते सबके सब श्री राधा रानी का नाम वृंदावन में राधा रानी का नाम लेते हैं। कारण है एक राधा रानी का नाम से कृष्ण का 100 नाम का समान बराबर। बोली प्रभु आज से और मैं कोई केवल एक राधा नाम करूंगा। किसका? राधा रानी का नाम करूंगा। शंकर जी बोले पार्वती बोले इसमें रहस्य। बोले फिर क्या रहस्य है? एक राधा नाम के समान 100 कृष्ण का नाम। बोले पार्वती इसमें ये रहस्य है। बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, चले बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। जब राधे राधे रटो चले आएंगे आएंगे बिहारी, बोले तुम राधा जी का जब नाम लोगे ना राधा रानी नहीं आएगी वहां पर, आएंगे सिर्फ बिहारी जी आएंगे, क्योंकि राधा जी का नाम से कृष्ण खुश होते हैं, राधा जी का नाम से कृष्ण खुश होते हैं, इसलिए वहां पर राधा हर समय से राधा जी का नाम लेता है। बोले एक समय क्या हुआ, राधा रानी को पास जो तोता था ना, बोले एक समय उड़ते हुए किसी कारण से कृष्ण को पास में आ गया। जब कृष्ण को पास में आ गया इतने में वो तोता कृष्ण 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 बोलना शुरू कर दिया। कृष्ण तो सुनकर दुखी हो गए, बोले तू कृष्ण कृष्ण क्यों कहते हो? इसलिए अगर मेरे को खुश करना ना तुम राधे 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 नाम लो। इतने में उसने राधा 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 रानी का नाम लिया। और ये तोता जब फिर राधा जी को पास में गया ना, फिर राधे 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 नाम लिया। राधा रानी सुनकर दुखी हो, बोले तुम राधा राधे का नाम क्यों ले रहे हो, को किसका नाम लो? तो उसे कृष्ण 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 नाम लो। इसलिए राधा रानी कृष्ण नाम से खुश होती है और कृष्ण राधा जी का नाम से खुश होती है। पार्वती बोली प्रभु तो मैं तो बड़े कंफ्यूजन में पड़ी गई, अभी बताओ मैं राधे राधे बोलू ना कृष्ण कृष्ण बोलू। शंकर जी कहते पार्वती तुम दोनों नाम को लिया करो। बोले कैसे? देखो शंकर जी कहते बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। बोले ये नाम को लो। बोले प्रभु उसमें तो राधा जी का नाम है ही नहीं, ये तो खिचड़ी जैसे हरे कृष्ण हरे राम राम खिचड़ी जैसे। बोले देखो इसमें जो हरे शब्द है इसकी राधा जी का नाम। इसका आप लोग कोई संस्कृत पढ़े हो?
कौन कौन संस्कृत थोड़ी बहुत ज्ञान है, किस किस को संस्कृत थोड़ी बहुत ज्ञान हो। देखना आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, शब्द रूप को रटे होंगे, जैसे रमा शब्द, जैसे लता शब्द। आप देखना इसका मूल शब्द हरा, लेकिन ये हरा शब्द, हरा मतलब होता है कृष्ण का मन प्राण चित्त को जो हरण करती है वो हरा, लेकिन वो संबोधन में हो जाते हैं हरे। जैसे लता शब्द पढ़े होंगे, लता लते लता लताम लते लता, अब उसमें संबोधन में देखना वो हो जाता है हे लते। जैसे रमा शब्द वो संबोधन में हो जाता है हे रमे, उसी तरह इसका मूल शब्द हरा और संबोधन में हो जाता है हे हरे, मतलब हे राधिके। उसमें कृष्ण शब्द वो भी संबोधन में हे कृष्ण हो जाता है कृष्ण, इसलिए हरे कृष्ण मतलब हे राधे और कृष्ण। फिर उसमें हरे राम हरे राम, अभी तो हरे हो गया राधे, अभी राधा जी को सांत श्याम रहेंगे, पर राम फिर कहां से आ गए। ये महामंत्र में जो राम शब्द है वो कृष्ण का ही नाम राम है, क्योंकि राधा रम यतीति राम, जो राधा जी को साथ में जो रास रचाते रमण करते हैं, इसलिए ये राम शब्द। इसलिए जो महामंत्र में ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है केवल ये जुगल उपासक है, केवल श्री जुगल मंत्र का ही ये उपासना इसमें। इसलिए जगत में जितने मंत्र हैं, इसलिए जो महामंत्र है ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र, इससे बड़ा मंत्र दुनिया में कुछ है नहीं, सबसे बड़ा मंत्र। क्योंकि हम सबके सब यही चाहते हैं परिश्रम काम हो और ज्यादा फल मिले, यही चाहते हैं ना। लेकिन जब एक कृष्ण नाम करोगे है, कितना हो गया 3000 विष्णु का नाम, 3 बार राम का नाम हो जाता है, और जब एक राधा का नाम करोगे ना, 100 कृष्ण नाम और 3000 विष्णु का नाम लेने का और 3 बार विष्णु नाम लेने का फल मिल जाती है। इसलिए जो हरे कृष्ण जो महामंत्र है ये सर्वश्रेष्ठ ये मंत्र है, इससे बड़ा मंत्र दुनिया में कुछ है नहीं। इसलिए अब लोग मेरे पीछे पीछे थोड़ी सी ताली बजाते हुए प्रेम से ये भगवान का नाम को हम लोग थोड़ा लो बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि 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 हरि
अगर किसी व्यक्ति को निमंत्रण दो भैया भागवत कथा सुनने के लिए आए, इसका छोटी मोटी कोई बिजनेस होगा ना, बोले भैया मेरे पास में कोई समय नहीं कथा सुनने के लिए। लेकिन श्री परीक्षित महाराज उसी समय में चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती मतलब है ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर भी राजत्व कर रहे थे, वो छोटे मोटे राजा नहीं थे। लेकिन इन्होंने सात सात दिन तक एक जगह पर बैठ कर कथा, बोले श्री जो बत्ता इसकी श्री सुखदेव गोस्वामी कहते माँ की पेट में 16 साल तक रहे, वो निकल रहे थे और निकले तो जाकर के ब्रह्म ज्ञानी बन गए, ब्रह्म में डूबे हुए थे जिन्होंने 16 साल तक तो मुंह ही नहीं खुले। लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला है ना 7 दिन, बोले आप कृपा करके बताओ श्री व्यास देव जी ने ये ग्रंथ क्यों रचना की, इसके पीछे क्या रहस्य है, मैंने जो पूछा और जो नहीं पूछा आप कृपा करके सबके सब उत्तर दो। तब गोस्वामी कहते हैं बोले द्वापरे समन तृतीय युग पर जाए व्यास पराशर उद्योगे तास व्याम कल्याणे। श्री व्यास देव ने अपना दिव्य दृष्टि से उन्हें आने वाले, पहले इतना नहीं, पहले क्या करते थे छात्र गुरु जी के आश्रम में जाते थे और गुरु जी सब रटा लेते थे, सबके सब याद कर लेते थे, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ता था। लेकिन व्यास देव जी ने देखा ये कलयुग आ रहा है, कलयुग में क्या होने वाले है, कलयुग में कोई चीज आपको प्योर चीज नहीं मिलेगी, इसलिए सबके सब हाइब्रिड देकर के बनता है सबके सब, और धीरे धीरे इनका बुद्धि ह्रास होती जाएगी। किसी बच्चे को बोलो मार्केट में जाओ दो चार आए, देखा स्त्री सूत्रों को वेद में अधिकार नहीं, इसलिए उन्होंने पंचम वेद श्री महाभारत बनाए जिसमें भगवत है। लेकिन ये सब बजाने का बावजूद भी उनको शांति नहीं मिल रही थी। इतने में श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद जी आए, बोले व्यास लगता है तेरे मन में शांति नहीं। बोले मैंने जीव कल्याण के लिए इतना ग्रंथ तो बना दिया लेकिन मन में मेरे को शांति नहीं मिल रहा है, ऐसे लग रहा है इसमें कुछ कमी है। गुरु जी आप तो गुरु हो, गुरु मतलब क्या होता है, बोले गुकार अंधकार निरोधक हो, हमारे हृदय की अज्ञान को जो दूर करके दिव्य आलोक को जो संचार कर दे, कभी गुरु का काम है। नारद जी ने कहा देख व्यास तुमने ये जो ग्रंथ रचना की ना भविष्य दृष्टि हो रही, जब तुमने गणेश जी की महिमा गाई उसी समय भैया गणेश का सबसे पहले पूजा होनी चाहिए, अगर ये ग्रंथों को कोई पढ़ेगा ना पागल हो जाएगा, वो सोच नहीं सकता पूजा करे किसको छोड़े तो किसको, इसलिए तुम्हारी मन में शांति नहीं मिल रहा है। बोले गुरु जी आप ही बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। तब श्री बोले जथा धर्म दयाचार था मुनि पर नो कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जे। तुमने धर्म अर्थ काम कैसे पैसा कमाओ कैसे पुण्य कमाओ कैसे स्वर्ग फिर इसी जगत में आओ, तुमने इसी बात को इतने बड़ा चढ़ा करके बोल दिया ना, तुम भगवान के प्रेम को इतने नहीं बताया, भगवान की भक्ति कोई महिमा नहीं बताए, नहीं बताए कहां रात पर तत्व भगवान है। लेकिन ये हो कर कथाओं को सखा बन जाते हैं, उनका झूठन खाते हैं ठाकुर जी हैं। अगर कोई बढ़िया ना नीचे दो चार सखा खड़े हो जाते हैं, उसको पर दो तीन सखा, उसको पर दो, उसको पर और एक पेड़ से फल को उतारते हैं, पहले सखा तक खा उसको नीचे सखा को पास में, और नीचे एकदम नीचे जब आया ना गुठली आया और कृष्ण उसको खा करके दबा बड़ा मीठो फल है, तुमने ये चीज लिखा भगवान हो करके झूठन खाते हैं। कैसे सखात को साथ में कृष्ण खेलते खेलते श्री राम कृष्ण को पछाड़ देते हैं, बोले कन्या तू हार गया घोड़ा बन, कृष्ण कहते तो मैं नहीं बनता हूँ घोड़ा, जब हम हार गए हमारी पीठ पर बैठ गया और बारी आई तो बोले घोड़ा नहीं बनोगे। कन खा सुन मैया मोरी मैं नहीं माता, इसे बात बताई कैसे भगवान होकर के गोपियों की प्रेम में कितने वशीभूत हो जाते हैं,
अगर राधा रानी अगर मान कर ली ना, कृष्ण कहते राधे मेरे को गिरिराज को उठाने में जितना ताकत नहीं लगा, अकासुर बकासुर को मारने के लिए जितनी ताकत नहीं लगता है, जब राधा रानी ना कृष्ण कहते उसे ज्यादा ताकत है राधा जी की मान को मनाने के लिए। बोले ये सब प्रेम की भगवान की मीठी मीठी कथा से? बोले नहीं। बोले भैया आत्मा की तो यही असली खुराक है, आत्मा की तो यही असली खुराक ही है, वही भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बताए। अभी तुम भगवान की विषय पर विवेचना करो, हैं? भगवान की सुंदर सुंदर लीला, ठाकुर जी की भक्तों की चरित्र लिखो, तुमको शांति मिलेगी। तो उन्होंने बड़ी उपदेश दे करके नारद जी जब वहां से चले गए, इतने में श्री व्यास देव जी बोले भक्ति जो गे न सम प्रणगीत अमले अपस्यम पुरुषम पूर्णं मात अपाश्रय। तो उन्होंने भक्ति योग समाप्त द्वारा जब समाधिस्थ हुए संपूर्ण गोलक वृंदावन को दर्शन किया, कैसे राधा कृष्ण कैसे सुंदर लीला कर रहे हैं, जैसे टीवी में हम सीरियल देखते हैं। बोले भक्ति योगे ना कैसे दर्शन किया, बोले भक्ति को किया और क्या देखा, अपश्यम बोली ये बताओ मैना ने कृष्ण जो उठाए कौन सा हाथ में, बोले बाम हाथ में। बोले कौन सा अंगुली में, बोले कनिष्ठ अंगुली में बाम अंगुली में। बोले बताओ उन्होंने गिरिराज जो उठाया कैसे उठाया, बोले अपना शक्ति से, अपना शक्ति से। बोले बताओ कृष्ण का शक्ति कौन है, अरे बोलो कृष्ण का शक्ति कौन है। फिर गिरिराज उठाया किसने, गिरिराज किसने उठाया, अरे कोई बोल नहीं रहे। इसलिए कितना कछु माखन को बल बढ़ो कुछ उपने करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिवर लिए उठाए। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए उन्होंने प्राग गोलोक वृंदावन दर्शन किया, दर्शन करते हुए उन्होंने ये श्रीमद भागवत ग्रंथ को रचना की। बोले ग्रंथ तो बड़े सुंदर बनाया भैया, इसको पढ़ाई किसी को, लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी बन करके चले गए। कहते व्यास देव की चार ही चले थे, बोले देखो मेरे कहिए के तोता उड़ते हुए चला गया। बोले इसको पकड़ करके ला सकते हो, बोले भैया जंगल में तो बहुत सारी तोते, हमें क्या पता आपका तोता कैसे। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं चारों को मैं चार मंत्र सिखा देता हूँ, ये मंत्र सुन करके अपने आप जो पकड़ में आ जाए ना समझना ये मेरे तोता है। पहला चेले को कौन सा मंत्र सिखाए, ये राधा रानी स्वयं कहती है कृष्ण कितने सुंदर हैं। बोले बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत पास कनक कपिसयम वैजयंती च माला रंधान भेनुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदई वृंदारण्यम सुद रमणम गीत की। मतलब कृष्ण सुंदर है, कृष्ण इतने सुंदर है, कभी कभी गोपियां तो कृष्ण को ताना मारती हैं। बोले नंदलाल तुझे ती हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों की, अच्छा किया परमात्मा ने तेरे को लाली नहीं बना कर लाला बना दिया, तू इतनी सुंदर, तू इतने सुंदर हो हैं। अगर तो लाली बनता ना विश्व ब्रह्मांड में जितने क्षत्रिय हो आपस आपस में युद्ध करके सब मर जाते तेरे को पाने के लिए, अच्छा नहीं अगर लाला बने। ऐसे कृष्ण हमारी सुंदर है, इसलिए कहते हैं बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। I'm gonna make you mine.
लाल की जय हो।
जब पहला चलाने एक श्लोक को बोले कितने सुंदर है, सुंदर है, लेकिन ये बताओ देखने में तो बड़े सुंदर है वो रहते हैं कहां पर। इतने में दूसरा चेला ने दूसरा श्लोक बोल दिए, बोले जयति ते धिकाम जन्मना प्रजा जयति वृंदावन में रहते हैं। बोले तीसरा चेला ने पूछा भैया देखने में तो सुंदर रहते हैं वृंदावन में, लेकिन उनको पितामाता परिवार कैसे हैं। इतने में तीसरा चेला ने बोल दिए, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले इसके पिताजी का नाम श्री नंद है जो जो सबको जो आनंद देते हैं। बोले मैया का नाम बोले यशोदा, बोले सबको जो जस देती हैं। बोले भैया कैसे, बोले ताऊ दयाल, बड़े दयालु उसके बड़े दे प्रभु। अभी बोले भैया परिवार भी तो बड़े सुंदर है, देखो देखने भी बड़े सुंदर है, घर में पैसा की भी किसी चीज की कमी नहीं और परिवार भी बड़ा सुंदर है, लेकिन जो चौथा चीज सबसे महत्वपूर्ण है। बोले भैया उसको कोई गुण है कि नहीं उसके अंदर में, उसके अंदर में कोई गुण है कि नहीं। बोले भैया तो गुण का खान है, वो इतने दयालु इतने कृपालु हमारे बांके बिहारी, ऐसे दुनिया में इतने दयालु कोई हो ही नहीं सकते हैं। चौथा चेला ने बोले, बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासया अपि असाप्ति। बोले वो इतने दयालु जो पुतना जब कृष्ण को पास में गई ना वो थी राक्षस में थी, फिर लेकर गई थी जहर करती थी क्या, बोले बच्चों को खून पीती थी हाँ। और तीसरे नंबर है वो थी पुतना, पुतना मतलब पूत और ना, मतलब जो पवित्र नहीं जो अपवित्र थी, उसकी अंदर में सारे दुर्गुण दुर्गुण, कोई भी अच्छे गुण नहीं था, लेकिन हमारे कृष्ण इतने दयालु वो सारे अपगुण में भी एक गुण उन्होंने छांट लिया। क्या गुण छांट लिया, वो जब गई थी वो माँ की रूप धारण करके गई थी, केवल एक सेकंड के लिए उसने थोड़ा नाटक की, बोले इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में छुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। ठाकुर जी इतने में रीज गए और उसको गोलोक वृंदावन स्थान दे दिया। जब उन्होंने इतना सुना हाथ उठा करके बोले कम्बा दयालु शरणम ब्रजे मां, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़ करके हम और किसको भजन करें, भजन करना तो श्री कृष्ण को ही भजन करे क्यों। बोले गुण अवगुण प्रभु देखो न कहो, ठाकुर जी कभी दुर्गुणों के प्रति ठाकुर का भी नजर नहीं, ठाकुर तो केवल सद्गुण का प्रति नजर देते हैं। यहाँ शिक्षा देते हैं भैया भक्ति करना तो श्री बांके बिहारी की भक्ति करो और किसको भक्ति मत करो, क्यों अगर भक्ति करते करते कभी कभी उल्टा पुल्टा थोड़ी हो जाता है, दूसरे जो देवा देवी है ना उल्टा पुल्टा लेने का देना तुम्हारी पड़ जाएगी, लेकिन कृष्ण भक्ति में एक विशेषत्व है अगर कोई गलती भी हो ना ठाकुर तुम्हारी गलती नहीं देखते, क्यों वो हमारी माँ है। बच्चा अगर माँ की गोद में टाटी पेशाब कर दे मैया थोड़ी फेंक देती है, वो फेंकती नहीं उसको साफ सुथरा करती है, इसलिए कृष्ण हमारी माँ है, इसलिए तुम्हें माता च पिता तुम्हें कृष्ण स्वयं कहते हैं जगत का माँ मैं हूँ, इसलिए माँ कभी क्रोध नहीं करती है बच्चे को सुधारती है। लेकिन जो दूसरे देवा देवी हमारे साथ में उनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए अगर थोड़ी सी कहीं इधर उधर हो जाए ना फिर तो उल्टा रिएक्शन हो जाती है, लेकिन कृष्ण भक्ति में कभी उल्टा रिएक्शन कभी होएगी नहीं, इसलिए एक बार हाथ उठा कर बोलो बोले श्री बांके बिहारी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। कहते ये जो कथा आप लोगों ने सुनी है यहाँ पर भागवत का जो वक्ता ये परमहंस परम निर्मुक्त और परम ब्रह्म ज्ञानी श्री सुखदेव गोस्वामी, कहते भागवत का श्रोता कौन,
बोले भैया इसका श्रोता भी साधारण नहीं, जब परीक्षित महाराज है। यहाँ पर महाभारत की कथा आती है, देखो ध्यान देकर सुनो। कहते कभी कभी हमारे घर में भी महाभारत हो जाती है। कहते ये महाभारत क्यों हुई थी? बोले दो कारण से। कितना कारण से? कितना कारण से? दो। बोले पहला कारण क्या? पहला कारण द्रौपदी ने अपना जीवा चलाया। इन्होंने बोल दिया दुर्योधन को, अंधा का बेटा अंधा होता है। इतने में दुर्योधन को क्रोध आया, बोले अंधा का बेटा अंधा होता है, मजा चखाऊंगा। उन्होंने कपट जुआ खेल कर सबको हरण कर लिया। और द्रौपदी की वस्त्र हरण उन्होंने जब कराया, इतने में भीम को अर्जुन को इतना क्रोध आया, भीम से ने कहा जिस गोद में तुम द्रौपदी को बैठाना चाहते हो घोर युद्ध में, ये जंघा तोड़ दूंगा। बोले जिस हाथ से तुमने द्रौपदी के केश को तुमने पकड़ा, भरी युद्ध में तेरे हाथ उखाड़ करके फेंक दूंगा। और भीम ने दो काम किया है, ये दो काम उन्होंने किया है। बोले ये क्यों महाभारत हुई? केवल उसने जीवा चला दिया। इसलिए कहते ये रामायण क्यों हुआ? यही कारण, माता सीता ने थोड़ी सी लक्ष्मण को इतनी सी बात बोल दी। जब मारीची रूप धारण कर, मारीची ने मृग रूप धारण करके आए, मैया सीता बोली हिरण को पकड़ करके ला दो। इतने में राम जब गए, बोले लक्ष्मण सीता को छोड़ करके जाना नहीं, यहाँ पर दैत्य लोग रहते हैं, पीछे कुछ हो सकता है। जब चले गए, लेकिन वो तो था राक्षसा। जब राम ने बाण मारे, मारीची ने बोले भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। सीता बोली आप सुन रहे हो? भैया के ऊपर कोई विपत्ति आ गई। लक्ष्मण को पता भगवान है, भगवान के ऊपर थोड़ी कोई विपत्ति आएगी। बोले नहीं, मैं नहीं जा सकता हूं। सीता ने इतनी बोल दी, अभी मैं समझ रही हूं तू क्यों आया था, और ये सोच रहे हो राम मरने पर तुम मेरे से शादी करोगे। लक्ष्मण कभी जिनकी मुंह तक भी नहीं देखा, केवल चरण के सिवाय वो कभी ये चीज को सहन कर सकता है? अगर माँ ये बात बताए, बोले देखो माता जी, जीवन में पहला बार मैं प्रभु का आदेश को मैं उल्लंघन कर रहा हूं। कभी राम वाक्य कभी उल्लंघन नहीं की। उन्होंने लक्ष्मण रेखा काट कर गई। मैया सीता दो गलती की, दुनिया को शिक्षा देती है। पहला गलती तो जीवा चलाए, दूसरा गलती उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार की। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो माताओं को शिक्षा देते हैं, भैया कभी लक्ष्मण रेखा को पार करोगे ना रावण उठा कर ले जाएगा। बोले रावण तो त्रेता युग में था। बोले त्रेता युग में एक रावण था, अभी घर घर में रावण है, अभी घर घर में रावण है। इसलिए कहते हैं माताओं को कभी भी अपना मर्यादा को कभी भी उल्लंघन नहीं करनी चाहिए, फिर तो रावण हम उठा करके ले जाएगा। यहां शिक्षा देते हैं। दूसरी चीज, कभी जुआ मत चलाया करो। घर घर में भाई भाई में क्यों लड़ाई होती है बताओ? कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी जुआ तुम्हारी स्लीप कर गया बस। फिर रात को रात पति को कान में मंत्र देती है धीरे धीरे, मेरे को उसने ये बोला, मेरे को उसने ये बोली, मेरे को ये बोली। देखना भाई बहु बहु में घर में लड़ाई हो जाती है। इसलिए हम कहते थे बड़े गुरु जी, देखो हर चीज में हड्डी है, अंगुल में सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाती है, कमर में हड्डी सीधा हो जाती है, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं। किस में हड्डी नहीं? बोलो बोलो जोर से। इसलिए जीवा हर्ष में लफर लफर कुछ कुछ बोलते रहे, वो चुप नहीं बैठता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए, बोले भैया तुम्हारी ज्यादा बोलने की इच्छा है ना, तुम्हारी ज्यादा बोलने की इच्छा है ना। इसलिए महाप्रभु बोले देखो हाँ क्या करो। महाप्रभु को जब भक्त लोगों ने निमंत्रण दिया, प्रभु हमारे घर भोजन है, महाप्रभु क्या बोले? देखो सबके घर खाना नहीं खाता हूँ। बोले किसको घर में खाते हो? बोले जो लखपति बनेगा। बोले प्रभु उस 5.5 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोर हो। बोले हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, क्या आवाज में भोजन नहीं करोगे? महाप्रभु क्या कहते हैं जानते हो? असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोज आना जो 1,00,000 हरिनाम करता है। क्या करता है? 1,00,000 जो हरिनाम करता है वही असली लखपति। इसलिए कल मैंने आपको समझाया था आप लोग लखपति कैसे बनोगे। जैसे ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
एक एक मोती सरकाते हैं, दो बार दो मोती, जब यहाँ पर समाप्त हो जाए इसको पार मत कर, घुमा दो, अगर फिर माला करो, अगर ऐसे कर लिया तो हो गया 25,000, अगर तूने 64 माला कर लिया ना वो 1,00,000, भगवान बोले 1,00,000 तुमने, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। बोले ब्याज कितना मिलेगी, दिन दिन बढ़ता समायो पायो जी में राम रतन धन पायो। देखो इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक शिक्षा दिया, देखो इतना चीज कम से कम कथा से लिख लिया, कभी माला हमसे अलग नहीं हो, भले ही बाहर जाते समय पैसा कभी भूल जाओ लेकिन कभी माला भूलो मत, हर समय ये माला को रखो, क्योंकि हमारे जो एक श्वास निकल रहा है ये श्वास नहीं, एक एक कोहिनूर हीरे हैं, वापस ले आओ। वापस ला सकते क्या, नहीं ला सकते, मतलब मानव शरीर का एक एक श्वास एक एक कोहिनूर हीरे हैं, लेकिन एक एक श्वास की सार्थकता कब है, जब हर श्वास में हमारे प्रभु का नाम निकलेगा। इसलिए गुरु जी कहते थे भैया ये माला कभी भूलो मत, ट्रेन में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, घर में तो माला करो लेकिन जाते समय भी माला को मत भूला करो, हाथ में माला लेकर के जाओ। देखो यहाँ पर हमारे कुछ भक्त लोग हैं, देखो सबके सब माला जप कर रहे, सबके सब ठाकुर का नाम जप कर रहे, सबके सब ये माला कोई नहीं छोड़ रहे, कि उनको पता है ये माला नहीं ये माल है, ये असली माल यही है। इसलिए जिन जिन ने ये मोती लूटे उसको माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी हो कांगाल हुए। इसलिए ठीक है ना, इसलिए माला को भी भूलना नहीं, माला को साथ में लेकर चलना। इसलिए कहते यहाँ श्री कथा आती है, श्री परीक्षित महाराज को कैसे ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया लेकिन कैसे उत्तर आर कृष्ण शरण में गई, गर्भ में प्रवेश करते हुए उनको बचाए, गर्भ में कृष्ण दर्शन हुआ था, जन्म होते ही वो कृष्ण को ढूंढ रहे थे, परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम श्री परीक्षित महाराज पड़ा। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। जब जब कृष्ण जाने के लिए तैयारी होते हैं हस्तिनापुर से, पांडव लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। एक दिन मैया कुंती भगवान को बड़ी स्तुति कर रही थी, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले हे प्रभु जगत में वे सर्वश्रेष्ठ हैं जो कृष्ण भक्ति करते हैं, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन, बोले वसुदेव। बोले क्यों, बोले जगतपति जगन्नाथ होकर के पिता बनाया तो वसुदेव महाराज को, बोले उनसे श्रेष्ठ कौन, बोले देवकी। बोले किस लिए, बोले कृष्ण को जो गर्भ में धारण की, बोले पिताजी से माँ की सौभाग्य ज्यादा है। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए लेकिन उनके उत्सव कहाँ पर मचे, बोले गोकुल में। इसलिए बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए उनको पलने में झुलाया जसोदा, ठुमुक ठुमुक करके चलाना सिखाया जसोदा। इसलिए उनसे श्रेष्ठ श्री नंद और जसोदा। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले ब्रज की गोपियां हैं जिनको साथ में भगवान ने रास रचाए। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले गोपियां भी जिनकी सेवा करती हैं, चरण की पूजा करते श्री किशोर जी। इसलिए यहाँ कुंती कहती है प्रभु जगत में जितने भी तुम्हारे बहुत भक्त हैं सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए इनका नाम राधा, राधा मतलब क्या, आराधितनुनम, जो पूर्ण रूप में कृष्ण की आराधना करती हैं ये राधा है। इतने में भगवान बोले मेरे से वर मांगो, बोले प्रभु मेरे जीवन विपत्ति दे दो। बोले सारा दुनिया तो संपत्ति चाहते, तू विपत्ति क्यों चाहती हो, बोले प्रभु जी बोले सुख के मात्र पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि वो दुख को जो पल पल नाम जपाए, दुख में सुमिर सब करे सुख में करे ना कोई, और जो सुमिर दुख काहे के आए। इसलिए मेरे झोली में तुम विपत्ति भर दो। भगवान कुंती के ऊपर में कृपा की, कृपा करके पितामह भीष्म सरसज्जा में लेटे हुए थे, भगवान उनको पर में भी आशीर्वाद दी। उनकी इच्छा थी अंतिम श्वास कृष्ण दर्शन करते करते जाऊं, कृष्ण सामने साक्षात खड़े, और पितामह भीष्म कृष्ण दर्शन, उनकी
चरण को अपना हृदय में धारण करते हुए अंतिम श्वास त्याग दी। सारे देवता लोग देख देख करके आश्चर्य हो रहे थे। हैं बोले क्यों? बोले जनामा जनामा मोनी जाता ना कराए, जनामा मोनी जाता ना कराए, जनामा जनामा मोनी जाता ना कराए, जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं निकलता है। लेकिन पितामह भीष्म कृष्ण दर्शन करते करते गए, सब लोग बड़े प्रसन्न, देवता लोग स्वर्ग से पुष्पों की बौछार की। बोले पितामह भीष्म की, अभी कृष्ण द्वारा हमें बड़े दिन एक प्यार में खड़ा हुआ उसको भी तोड़ने के लिए एक राक्षस जैसे बड़े लंबा चौड़ा काला वो एक प्यार को तोड़ने के लिए जा रहा था और वो बड़ा दुखी होकर के विष्टा मूत्र विसर्जन कर रहा था। तलवार निकाल कर झपट बड़े बोले तू है कौन? बोले मैं स्वयं कली हूँ। बोले ये गैया कौन? बोले पृथ्वी। बोले ये बैल कौन? बोले धर्म। बोले तीन चरण गया कहाँ? बोले सत्य त्रेता द्वापर तीन युग बीत गया, कली युग में केवल दान के ऊपर में धर्म खड़ा हुआ है। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले तोड़ना चाहता हूँ जगत में धर्म कर्म में रहने नहीं दूंगा। परीक्षित महाराज बोले जब तक मैं हूँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते, भाग जाए यहाँ से ये तो जान से मार डालूंगा। बोले कहाँ जाऊं, संपूर्ण पृथ्वी में आपका राज्यत्व है। परीक्षित महाराज ने देखा अभी क्या किया जाए, अभी क्या किया जाए। देखा कलयुग में दोष ही दोष है, लेकिन कलयुग में एक गुण उन्होंने देखा इसलिए उन्होंने कलयुग को स्थान दिया। बोले कलयुग में कौन सा गुण है? बोले कली युग के बलना माँ आधारा, कली युग के बलना, कली युग के बलना माँ आधारा, कली युग के उन्होंने स्थान दे दिया कलयुग को, लेकिन उन्होंने चार जगह पर स्थान दिया। मतलब है अगर कलयुग में कोई भगवान की भक्ति करना चाहते हैं उनको केवल चार नियम पालन करनी चाहिए और केवल भगवान की थोड़ी सी नाम जप कर लो संसार से उद्धार हो जाएंगे। उदाहरण दिया जैसे हमें कोई बीमारी कोई अच्छे डॉक्टर के पास में गए, सचमुच से वो डॉक्टर हमारी बीमारी को सही करना चाहता है। बोलेगा देखो दवा तो बढ़िया दे रहा हूँ, लेकिन अगर परहेज को साथ में दवा लोगे ना बीमारी जल्दी, अगर बगैर परहेज को जिंदगी भर दवा लोगे, अगर परहेज नहीं करोगे दवा तो लोगे लेकिन तुम्हारी बीमारी सही नहीं होगी। इसलिए कलयुग में दवा क्या है? बोले ये हरे कृष्ण महामंत्र दवा है, बड़ी मीठी दवा है। लेकिन ये परहेज बोले चार ही है। हाँ ध्यान देकर सुनो, अगर कलयुग में केवल चार नियम को पालन कर लो और थोड़ी सी ठाकुर का नाम जप करो इसी से ही कल्याण। पहला नंबर है दुतव। दुतव मतलब होता है जुआ। कहते भैया कभी जुआ मत खेलो, धर्म का पहला चरण सत्य है, जो जुआ खेलेगा कभी सच नहीं बोल सकता है, उसको झूठ झूठ के ऊपर झूठ बोलेगा। धर्म का पहला चरण यहाँ खत्म हो जाती है। दूसरा नंबर है पानम। पानम का मतलब होता है किसी तरह का नशीली वस्तु मत लिया करो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा चाय ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। इसलिए देखो जो शराब है, इसलिए संत लोग कहते जो शराब पीते हैं उनका तीन लाभ है। कितना लाभ है जोर से बोलो, तीन लाभ क्या है? पहला लाभ है वो कभी बूढ़ा नहीं होगा,
दूसरा लाभ घर में उसको कभी घर में चोरी नहीं होगी। तीसरा लाभ कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले कैसे? पहला लाभ बूढ़ा नहीं होगा। बोले बूढ़ा कब होगा? जिंदा रहे तब तो बूढ़ा होगा ना। कुछ दिन पहले एक माता जी मेरे पास में माला लेने के लिए, उसको दो बच्चे लेकर के आई। मैंने देखा ज्यादा से ज्यादा 30 साल इससे कम होगी, दो बच्चे हैं। मैंने कहा इसके पिताजी कहाँ गए? बोले शरीर छोड़ दिए। बोले कैसे? बोले ज्यादा पीते थे। क्या करते थे? ज्यादा पीते थे। जो पकड़ा गया देखा सारी लिवर फीवर खत्म, बचने का कोई चांस नहीं था। अभी मैं रसिया जाऊंगा ये कथा के बाद में। रसिया में मैं देखता ज्यादा ही ज्यादा लड़की। मैंने एक दिन पूछा, बूढ़े बहुत कम देखा। मैंने पूछा भैया इतना लड़की क्यों यहाँ पर इतने, और ये बूढ़े सब कहाँ गए? बोले ये बचपन से शराब पीना शुरू करते हैं, और शराब पीते पीते आंत फांत सब खत्म गल करके, और आधा उम्र में खत्म हो, इनका पुरुषत्व तो खत्म हो जाती है। इसलिए सहज में इनके घर में लड़का जन्म नहीं लेते। लड़की 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 ज्यादा है, इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। दूसरा लाभ क्या है? कभी घर में चोरी नहीं होगी। बोले भैया चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी। वो तो बेच बाच कर पी पा कर सब खत्म कर देगा, फिर चोरी किसी चीज के। तीसरा लाभ है कुत्ते दोस्त बनेंगे, कहीं पी पा कर कहीं पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर मुंह चाट जाएंगे। इसलिए ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। कोशिश करना बच्चों को पतियों को ये सब चीज से बचाने के लिए। अभी मैं गड़ी में कथा करके आया, एक माता जी बड़ी दुखी होकर के आई, बड़ी दुखी होकर। मैंने कहा भैया क्या बात है? बोले बाबा मैं तो शादी से ही परेशानी। बोले क्या बात है? बोले जब से मैंने शादी की तब देखा मेरे पति पीते थे, उसके बाद में मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरी बात नहीं सुनते। मेरे बच्चे हुए तो उनको देख कर बच्चा भी पीना शुरू कर दिया, और जब दोनों पी करके घर में आते हैं इतने लड़ाई, मेरे तो इच्छा करता मैं कहीं तो सुइसाइड कर ले। इसलिए कोशिश करना अपना बच्चों पतियों को ये सब चीज से दूर रखने के लिए कोशिश करने, सब चीज से जैसे दूर रहे। लेकिन तभी ये सब दूर में रह सकते हैं जब आप लोग भक्तों का संग करोगे। भक्त का संग करोगे तो भक्त लोग समझ जाएंगे भैया ये चीज को मत पिया करो। लेकिन उल्टा पुल्टा संगत में बैठेंगे तो भैया ये तो यही काम करेंगे। देखो एक संत कह रहे थे, आप लोग कोई बुरा मत मानो, जैसे बच्चे का बर्थडे में वो संत कह रहे थे भैया जिस बच्चे का बर्थडे में कभी शादी में तुमने इतने बोतल तोड़वाया और इतने जानवर को तुमने मार करके तुमने भोजन खिलाया, वो बच्चे का कभी कल्याण हो सकता है? वो संत कहते थे अगर वो 100 साल अगर वो बच्चा जिंदा रहता ना, 50 साल में उतर कर आ जाएगा, क्योंकि जिसकी उद्देश्य में तुमने इतने बुरा काम करवा रहे हो। इसलिए हमारे जैसे नवीन प्रभु जो कथा करा रहे, इनकी जब शादी हुई ना, कोई मदिरा नहीं, मांस अंडा प्याज तक भी, इनकी शादी में कोई प्याज तक भी नहीं था, एकदम शुद्ध रूप में बनाया प्रसाद, ठाकुर जी को भोग लगाया और सबको उन्होंने खिलाया। कोई बोले भैया कोई आएगा नहीं? बोले जो नहीं आएगा नहीं आए तो उसमें क्या हो गया है? हाँ? नहीं आए तो क्या मेरे क्या बुराई क्या हुआ है? इसलिए शुद्ध रूप हर चीज बनाओ, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खिलाओ, हमारे भी कल्याण और जो पाएगा उसको भी कल्याण। इसलिए यहाँ पर धर्म का दूसरा चरण कहते यहाँ खत्म, यहाँ से कहते इनकी तपस्या खत्म हो जाती है। तीसरा है स्त्रियों, कहते स्त्रियों में भी कली का निवास है। बोले कौन सा स्त्रियों के ऊपर में कली का निवास? बोले बगैर शादी के स्त्री पुरुष और पुरुषों का संग करते हैं। संसार करो शादी करके, पति पत्नी धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थ निभाओ, बगैर शादी के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शास्त्र तो इसको पति पत्नी मिलकर के घर गृहस्थी धर्म पूर्वक घर करो, यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। और जो 14 नंबर है जीव हिंसा, जीव हिंसा में जैसे मांस मछली अंडा प्याज लहसुन आदि ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसका नाम मांस, ये संस्कृत शब्द है। मांग मतलब होता है मुझको, सह मतलब वह, अभी हम जिसको खा रहे हैं बाद में जो खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में कहते मीट, मीट मतलब क्या? मी ईट बा ईट, अभी जिसको तुम खा रहे हो बाद में तेरे को फिर खाएगा, इसलिए उसका नाम ही है मीट है। मी ईट बा ईट मी, सब चीज को छोड़ करके शुद्ध रूप में ठाकुर जी की भक्ति करो, घर में शांति सुख रहेगा। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जब कलि को उन्होंने ये चार जगह दे दिया तभी ये कलि खुश नहीं हुआ। बोले मैं कहां जुआ खेल रहा है, कौन मांस खा रहे हैं, कौन गलत, मैं कहां ढूंढो, मेरे को ऐसे की जगह दो जहां पर सब मिल जाएगा। फिर उन्होंने सुवर्ण में स्थान दिया। सुवर्ण मतलब होता है पैसा भी, हाँ सुवर्ण। बोले क्यों, आप देखना अक्सर करके ये जितने सारे पाप कर्म है ना यही पर होता है, यही यही जगह पर है जहां पर ज्यादा ज्यादा पैसा। देखना रोज पता नहीं उल्टा पुल्टा जगह में जाना, उल्टा पुल्टा खाना, उल्टा पुल्टा सब करना, यही लोग करते हैं। इसलिए बोले लक्ष्मी की दो कितना वाहन है, लक्ष्मी का एक वाहन कौन सा वाहन है बोले तो, एक उल्लू। मतलब है जब ये लक्ष्मी आती है वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है फिर हमें उल्लू बना देती है। लक्ष्मी दूसरी वाहन है गरुड़। अब देखना गरुड़ के ऊपर में लक्ष्मी कभी अकेली नहीं बैठते हुए देखोगे, उसको अंदर नारायण को साथ में बैठेगी। मतलब क्या है, लक्ष्मी बुलाओ देखो लक्ष्मी के बगैर कुछ भी नहीं होता है, लक्ष्मी के बगैर कुछ नहीं, लक्ष्मी को बुलाओ। लक्ष्मी रानी है, क्यों बुलाओ, बोले नारायण की सेवा के लिए, माँ लक्ष्मी आओ ठाकुर को सेवा में लगाएगी। लेकिन जब उनको अकेले बुलाओ भोग करने के लिए, अपना भोग के लिए, तब वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आएगी। लेकिन अगर ठाकुर की सेवा के लिए बुलाओगे ना वो उल्लू के ऊपर नहीं फिर वो गरुड़ के ऊपर में आएगी। अब गरुड़ के ऊपर लक्ष्मी को अकेले नहीं देखोगे, नारायण को साथ में देखोगे। क्यों कहते, तो वो जब आएगी ना आपका घर को वैकुंठ बना देगी, आपका घर को गोलक वृंदावन बना देगी। लक्ष्मी को बुलाओ इसलिए ठाकुर जी की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए बुलानी चाहिए। हाँ बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हाँ देखो कल है, कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं, कल ठाकुर जी जन्म ग्रहण करेंगे। इसलिए जब मैया जसोदा गर्भधारण की, ब्रज की जितनी गोपियां थी ना वो 6 महीना पहले से ही 84 गज की लहंगा चुंदरी बना कर रखे। बोले नंद के लाला होगा तो हम इसको पहन करके कृष्ण को बधाई देने जाएंगे। इसलिए कल भी आप लोग जितने माताएं हैं सबके सब गोपी भाव से, सबके सब गोपी भाव से बड़े सुंदर सुंदर साड़ी चुंदर चुंदरी लहंगा पहनी करके जैसे गोपियां स्वागत करने के लिए आई थी, आप लोग भी बड़े सुंदर सुंदर सबके सब पीले पीले रंग के, कौन सा रंग का, पीला रंग के सबके सब साड़ी और सबके सब पहन करके आना। और हमारे जो भाई लोग है अगर हो सके तो धोती कुर्ता हो, अगर ये नहीं हो कम से कम सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहन करके आना। यहाँ पर बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया जय कन्हैया। कल संडे है, कल छुट्टी है, मैंने पहले बताया था ना एक एक माताएं 10-10 माताओं को साथ में लाना, एक एक भाई 10-10 भाइयों को लाना। बड़े गुरु जी कहते थे आप जिसको कथा में लाओगे उनको जो पुण्य मिलेगी, जो लाने वालों को उसका आधा पुण्य मिल जाएगी। इतनी महिमा लेकर के हम आएंगे, बड़ी महत्व है कथा में। इसलिए हमारे बीच में हमारे गुरु जी के कुछ शिष्य लोग हैं, इसलिए हम उनके वर्तमान प्रभु जी इधर आओ, तमाल प्रभु जी ये लोग गुरु जी के शिष्य लोग है, ये लोग प्रचार करते हैं। हाँ देखो कल जब आओगे ना जैसे बच्चे का बर्थडे में जैसे टफी कुछ चॉकलेट जैसे कुछ खिलौना हो सके तो आप लोग थोड़ी बहुत लेकर के आना, उसको हम लुटाएंगे फिर वो चीज आप लोगों को ही मिल जाएगा। उनको माइक दे दो तो उनको प्रभु जी प्रचार करते हैं, इनकी पत्नी इनके बच्चे पूरा परिवार इनको भक्त है, पूरा परिवार इनको गुरु जी की सबके सब शिष्य है। और अपना घर में प्रभु जी हरि कथा बोलते हैं, भागवत भगवत गीता को भी प्रभु जी अपना घर में क्लास देते हैं प्रभु जी। इसलिए थोड़ी सी आपको बताएंगे हम घर में रहते हुए कैसे ठाकुर जी की भक्ति करें। जिस घर में ठाकुर जी की भजन पूजा हो वो घर भगवान का धाम हो जाता है, घर में शांति सुख घर में रहती है। प्रभु जी कुछ बोलेंगे, प्रभु जी बोलो। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानोदयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद
अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत करते एवं हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। पश्चात मंचासीन महाराज श्री के चरणों में मेरा दंड स्वीकार करें। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मेरे भाई बहन सबके चरणों में मेरा यथा जब दंड स्वीकार करें। सचमुच जो कुछ भी प्राप्त होने वाला है उसके लिए श्रीमद् भागवतम में भी श्रीमद् भगवद गीता में भी सभी एक ही बात कही गई, वो क्या है? साधु संग। जिस प्रकार किसी भी वस्तु को अगर हम आग पे रख दें तो स्वाभाविक रूप से वो उसका संग पाके गर्म हो जाएगी, और उसी वस्तु को यदि फ्रिज में रख दिया जाए तो फ्रिज का संग करके वो ठंडी हो जाएगी। और अगर हम सांसारिक व्यक्तियों का संग करते हैं, सारा दिन है तो संसार में, तो हमारा ध्यान कहाँ लगता है, हमारा चित्त कहाँ लगता है, हमारा मन कहाँ लगता है? वो सांसारिक विषयों में ही लगता है। और कहीं भगवत कृपा हो जाए और कोई साधु मिल जाए तो फिर हमारा मन कहाँ लगता है वो आप देख ही रहे हैं। तो कलयुग में सबसे जो प्रथम बात है हमारे कल्याण के लिए वो है साधु संग। थोड़ी सी श्रद्धा होने पे अधूर श्रद्धा तत्व साधु संग। जैसे ही हमारी श्रद्धा होती है तो हम कहां पहुंचते हैं, या साधु हमारे पास पहुंचता है या हम साधु के पास पहुंचते हैं, और उससे क्या होता है, भजन क्रिया शुरू होती है ना। और महाराज जी और तो कुछ आपको कोई प्रेरणा नहीं दे रहे, केवल एक हरि नाम करने की प्रेरणा, आदेश, रिक्वेस्ट जो भी कर रहे हैं वो केवल क्या कर रहे हैं कि आप लोग जो है इस माला को हमेशा अपने पास रखो और जब भी समय मिले तो अपने उस समय को व्यर्थ ना जाने दें और हरि नाम में लगा दें। ये प्रभाव हमारे जीवन में जैसे ही आता है, हम भजन करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे अनर्थ जो है वो स्वतः हमसे दूर होने शुरू हो जाते हैं। अधो श्रद्धा तत् साधु संग अथ भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति। हमारे जब अनर्थ चले जाते हैं तो इसका मतलब हमारे जीवन में जो हमारा लक्ष्य है, हमारा अर्थ है, अर्थ हमारे पास अपने आप आने लग जाता है। हम बड़े भाग्यशाली हैं सभी लोग कि जिनको ऐसे संतों का संग प्राप्त हुआ, ऐसे साधुओं का संग प्राप्त हुआ जिनके ऊपर विशेष कृपा राधा रानी की, ठाकुर जी की, और वही कृपा वो जो है बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी गुण अवगुण को देखे वो लुटाने में लगे हुए हैं, उसी कृपा को जो है घर घर पहुंचाने में लगे हुए हैं साधु लोग। हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, कोई अपेक्षा है? महाराज जी ने कहीं किसी को कहा कि आप ऐसा करो वैसा करो? केवल एक बात कि आप जो है हरि नाम के साथ जुड़ जाएं, भगवान के साथ जुड़ जाएं। और ऐसा ही साधु संग हमें भी भाग्य से प्राप्त हुआ, भाग्य से भी ना कहें तो अनायास ठाकुर जी की कृपा और इन साधुओं की जो करुणा है, इनका जो स्वभाव है दयावश, किसी को भी देखें और कहीं से भी उठा के अपने पास बैठा लें कि आ जाओ मेरे साथ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी कृपा के प्राप्त जो है हम लोग वास्तव में उस दया का आज अनुभव करते हैं कि किस प्रकार बिना किसी योग्यता के, बिना किसी गुण के गुरुदेव ने उठाया, अपने पास बैठाया और फिर ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत कर दिया, लगा दिया ठाकुर जी की सेवा में।
कहीं पे भी किसी भी शास्त्र में किसी भी साधु ने ये नहीं कहा कि परिवार छोड़ दो, घर गृहस्थी छोड़ दो और जो है, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। यही कहा कि गृहस्थी में रहते हुए वन में रहो, घर में रहो, भीड़ में रहो, अकेले रहो, कहीं भी रहो, सिर्फ भजन का सहारा मत छोड़ो, भजन को साथ रखो। महाराज जी ने जो है बड़े सुंदर रूप से वचन महाराज जी के याद आते हैं हमेशा, कि किस प्रकार जो है प्रेरणा देते हैं, कि किस प्रकार हम लोग अपने घर में रहते हुए भी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही संसार, यही बच्चे, पत्नी, यही भाई बहन, यही मित्र, यही सगे संबंधी, सभी जो है हमारे प्रयास को और बल देने वाले बन जाते हैं जब हमारा निश्चय पक्का हो कि हमें भक्ति करनी है। यही सभी सगे संबंधी, यही मित्र, ये फिर हमारी हेल्प करने वाले बन जाते हैं, रुकावट नहीं बनते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि नहीं नहीं ये सब रुकावट हैं संसार में, लेकिन जब हमारा ये विश्वास हो कि भगवान जो है वो कृपा करने वाले हैं, भगवान दया करने वाले हैं, गुरुदेव हमारे साथ हैं, साधु संग जो है नहीं छोड़ना है, तो ये सब के सब हमारी मददगार बन जाते हैं। तो महाराज ने बुलाया तो एक छोटी सी कथा जो हम लोग महाराज के मुख से ही सुना कि जीवन में कौन सी वस्तुएं हमारे काम की हैं, अनर्थ कौन से हैं, अर्थ कौन से हैं, सब लोग इन साधुओं के चरणों में ही बैठ के हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार महाराज सुनाते हैं चार पत्नियों की कथा, कि हम लोग उद्देश्य जो है उसको ना, कौन सी वस्तु हमारे काम आने वाली है और कौन सी नहीं आने वाली है, जिन वस्तुओं से हम प्रेम कर रहे हैं आज उनका वास्तविक संबंध हमारे साथ क्या है, वो हमारे कितने काम आने वाली है। महाराज जी कथा सुनाते हैं, शायद कल परसों में सुनाई नहीं तो मैं बोल देता हूं उसको। एक राजा था जिसकी चार पत्नियां थी और सबसे बड़ी जो पत्नी थी उससे राजा अथाह प्रेम करता था, उसका पूरा ध्यान रखता था, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, नहाने का, धोने का, प्रत्येक वस्तु का उसका राजा जो है ही यूज टू टेक केयर ऑफ दैट, और अथाह प्रेम करता था उसके साथ, बहुत सारा समय राजा का उसके साथ चला जाता था। और दूसरी पत्नी जो है उसकी बड़ी सुंदर, बड़ी रूपवान, जहां जाए उसको साथ ले जाए, उसका प्रदर्शन करें कि देखो मेरी कितनी सुंदर पत्नी है, और उसको जो है बड़ा प्रेम करे, उससे बड़ा उसका उसके साथ भी उसका बड़ा समय जाए, उसकी रख रखाव में। तीसरी पत्नी उसकी बड़ी सुघड़ सयानी, राजपाट में सलाह मशवरा कर रहे उसके साथ, बड़ा उसकी सहायता करे, और उसके साथ भी राजा का बहुत सारा समय चला जाए। चौथी पत्नी जो है राजा की, उसमें सब गुण संपन्न है, लेकिन राजा बेचारे की मजबूरी यह है कि उसके पास उसके लिए समय नहीं बचता है। उसमें सारे गुण हैं, सुंदर भी है, सयानी भी है, रूपवान भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बारे में वो ज्यादा केयर इसलिए नहीं कर पाता कि उसके पास उन तीन पत्नियों पे समय देने के पश्चात समय बचता नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है उसके पास। और अंत समय आ गया, यमदूत आ गए लेने के लिए, महाराज आपका समय पूर्ण हो गया, आप निकलो यहां से, चलो हमारे साथ। तो उसका भी मैं राजा हूं यहां का, हम लोगों ने किसी की झोपड़ी तोड़नी होती है तो हम उसको अल्टीमेटम देते हैं, नोटिस देते हैं एक महीने का, दो महीने का, अब मेरे को तो कोई नोटिस नहीं मिला और आप तुरंत आ गए कि चलो। तो उन्होंने कहा कि महाराज नोटिस हमने बड़े दिए आपको, आपने उनको इग्नोर किया उन नोटिसेस को, लेकिन अब तो आपको ये छूट मिल सकती है कि आप किसी को साथ लेना चाहें, जिसको जिससे प्रेम करते हैं उसको ले लीजिए साथ, कोई वस्तु चाहिए तो उसको साथ ले लीजिए।
तो उन्होंने अपनी पत्नी जिसका वो सब तरह से ध्यान रखते थे, जिससे अथाह प्रेम करते थे, सबसे अधिक प्रेम करते थे, उसको आग्रह किया कि रानी मेरे दूत लेने आ गए, मेरा समय पूरा हो गया, आपको मैं साथ लेके जाना चाहता हूं। तो उसने जानते हैं क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया कि महाराज आपको लेने आए हैं तो आप निकलिए, मैं तो आपके साथ एक कदम भी चल नहीं सकती हूं, एक कदम भी आपके साथ मैं नहीं चल सकती, आपको लेने आए हैं आप जाइए। राजा को बड़ा झटका लगा, लेकिन अब वो दूसरी रानी से जिसका प्रदर्शन करते थे, जो बड़ी सुंदर थी, रूपवान थी, उससे भी बड़ा टाइम लगाते थे, उस पर भी उन्होंने कहा चलो इसको साथ ले लेता हूँ। दूसरी रानी के पास पहुंचे कि हे रानी ऐसे ऐसे मेरा समय पूरा हो गया, मेरे को जाना है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। तब उसने उत्तर दिया कि महाराज किसको लेने आए? फिर मेरे को। कहते थे मेरे को क्यों घसीट रहे हो, मैं तो अभी जवान हूं, सुंदर हूं, रूपवान हूं, आपका टाइम पूरा हो गया, आप बूढ़े हो गए, आप निकलो, मेरे को तो भोगने वाले ये चार से और खड़े हैं, मेरे को तो कोई कमी है नहीं यहां, आप निकलिए महाराज। उसने क्या कहा कि मैं एक कदम नहीं चल सकती हूं। राजा को झटका लगा, और अब इसने कहा क्या, मेरे को तो भोगने वाले और चार से खड़े हैं, आप निकलिए। तो राजा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि मैंने सारी जिंदगी इनकी सेवा में लगा दी, अब तीसरी पत्नी से बड़ा डर डर के संकोचवश कि हे रानी मेरे को ये उत्तर मिल गया, तुम बड़ी सयानी हो, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ हाँ महाराज, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन स्त्री हूं ना, स्त्री की मर्यादा होती है, जैसा महाराज बता रहे थे ना अभी कि स्त्री जो है अपनी ड्योढ़ी पार नहीं करती है घर की, मैं ड्योढ़ी तक आपके साथ चलूंगी, ड्योढ़ी लांगना जो है वो मेरे मर्यादा के विपरीत है। राजा को कुछ सांत्वना मिली कि चलो ड्योढ़ी तक साथ चलने वाला तो कोई है। अब बड़ा घबरा रहे हैं कि चौथी रानी जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था, उसको मैं क्या कहूं, कैसे कहूं, चलो साथ चलने के लिए तो नहीं कह सकता हूं, कम से कम क्षमा याचना कर सकता हूं उससे। रानी के पास पहुंचे कि हे रानी मैं क्षमा चाहता हूं कि इस जीवन में मैं आपके लिए समय बिल्कुल नहीं निकाल पाया, बड़ा व्यस्त रहा मैं, अब मेरा अंत समय आ गया, दूध लेने के लिए आ गए, और अब मैं आपसे विदा लेने के लिए आया हूं। जैसे ही राजा ने उनको विदा मांगी और मुंह दूसरी तरफ किया चलने के लिए, उस चौथी रानी ने जानते हैं क्या किया, उसकी बांह पकड़ ली। राजन ब्याह के लाए थे या भगा के लाए थे? ब्याह के लाया था, तो आपके पास टाइम था या नहीं था, लेकिन मैं तो जानती हूं मैं कई जन्म से आपके साथ हूं, और अब भी मेरा जो है आपका एक जन्म का साथ नहीं है, अभी भी कई जन्म तक मैं आपके साथ रहने वाली हूं, इसलिए आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं, मैं आपके साथ चलूंगी। ये सुन के राजा की आंखों में आंसू आ गए कि जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था वो मेरे साथ चलने को तैयार है, जिसके लिए मैंने सारा जीवन समर्पित कर दिया, जिसको सजाने संवारने में बनाने में, उसने कहा एक कदम नहीं चल सकती हूं, आप निकलिए, मेरे को भोगने वाले और खड़े हैं, एक ड्योढ़ी तक चलने को तैयार है, ये कैसा हो गया मेरे साथ? तो महाराज जी बताते हैं इसका उत्तर कि हम सबकी, स्त्रियों की, बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, पुरुषों की, सबकी चार चार पत्नियां हैं। अंत समय में जब हम चलना चाहते हैं, ये जीव निकलना चाहता है, तो पहली पत्नी ये उत्तर कौन देती है, जिसको हम साथ लेके जाना चाहते हैं, जिसके साथ अथाह प्रेम करते हैं, जिसकी हर वस्तु का हम ध्यान रखते हैं, जिसके लिए झूठ भी बोल देते हैं, वो कौन है? वो है हमारा अपना शरीर। शरीर में सबसे ज्यादा आसक्ति जीव की होती है, प्रत्येक जीव की। और ये उसकी पहली पत्नी क्या उत्तर देती है कि महाराज आप निकलो, मैं आपके साथ एक कदम भी नहीं चल सकती हूँ। किसी का शरीर उसके साथ चलता है? एक कदम भी नहीं चल सकता। चार भाई बहन उठा के ले जाते हैं तो और दूसरी पत्नी, पहली पत्नी का मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा,
तात्पर्य बोल दो। दूसरी पत्नी जो है वो कौन है जो कहती है मैं हमारी कोठी गहने गाड़ियां संपत्ति ये सारी जो है इसको भी हम बड़ा प्रेम करते हैं, सारा जीवन इसमें लगाते हैं इसको बनाने के लिए, और अंत समय में ये क्या कहती है, ये जो चार छह और अब खड़े हैं वारिश ये मेरे को भोगने के लिए खड़े हैं, मैं किसके साथ गई हूँ, वो भी साथ नहीं चलती किसी के, इसके लिए हम सारा जीवन लगाते हैं इस शरीर को सजाने संवारने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए और इसका ध्यान रखने में हम इसको कोई कष्ट ना हो इसको सुखी करने के लिए हम अपना सारा जीवन लगा देते हैं और ये अंत में हमारे साथ नहीं चलता, और ये संपत्ति इसको बनाने के लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं ये भी यही उत्तर देती है कि मेरे को भोगने वाले चार और खड़े हैं। और तीसरी पत्नी जो बड़ी सुगढ़ सयानी जो ड्योढ़ी तक चलने को तैयार है वो कौन है, वो हमारे सगे संबंधी भाई बहन माता पिता बंधु सखा सब कहाँ तक चलते हैं, ड्योढ़ी तक चलेंगे हमारे साथ। और चौथी पत्नी जिसे हम छोड़ के भी जाना चाहें जिसके लिए हमारे पास टाइम हो ना हो वो कौन है, वो हमारी अपनी भक्ति हमारे अपने कर्म जो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं और आगे भी हमारे साथ यही जाने वाले हैं, और तात्पर्य ये और इसी के लिए सचमुच में आप अपना झांक के देखिए सब लोग, मेरे साथ तो यही है कि इसी काम के लिए मेरे पास समय नहीं है, बाकी संसार के लिए सबके लिए मेरे पास टाइम है, इसी काम के लिए समय नहीं है। बोल हरे कृष्ण, एक बार बोल हाथ उठा करके बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो जो चौथी पत्नी है ये भगवान की भक्ति और भगवान का नाम है, ये भगवान के नाम और भगवान की भक्ति, अगर किसको बोले भैया भगवान का थोड़ा नाम जप करो, लेकिन जीवन में हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट उसको ही कर रखते हैं, बोले सब बिना जिसका कोई काम धाम नहीं ना वही सब माला लेकर बैठे हरे कृष्ण कर रहे, हमारे पास में तो बहुत सारी काम है लेकिन अंतिम समय जब आती है ये शरीर जहाँ के तहाँ रहे, जो पैसा जिसको दुनिया को दिखा रहे थे वो बोलते मैं दूसरे से शादी, शरीर छोड़ते वो पैसा दूसरों के पास में चली गई तो भोग करेगा, और जो तीसरी पत्नी पत्नी और परिवार वाले, पत्नी तो दरवाजा तक गई परिवार वाले शमशान तक गई, और जीवन में सबसे ज्यादा जिसको नेगलेक्ट करके रखा था ये किसी काम के नहीं ये बेकार है, ये क्या है बोले भगवान की भक्ति और भगवान के नाम है, और अंतिम समय में वही केवल तैयारी होती है हमारे साथ में जाने के लिए, इसलिए हमें जो चौथी रानी है ये चौथी रानी के प्रति हमें विशेष ध्यान, इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो वो गई कहाँ, एक बार हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी की इच्छा है मैं भी कुछ कथा सुनाना चाहता हूँ, प्रभु जी कुछ सुनाएंगे, सुना जो माला है ना तैयारी माला सबको धीरे धीरे बटवा दो, धीरे धीरे माला हो गया आपका। हरे कृष्णा ओम तिमिरंजला शलाख्या चक्षुर मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत राधिका प्रियात्मे श्री नारायण महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैं गुरु जिन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था श्रीपाद टाइट इन हिंदी आई विल ट्राई टू बैलेंस, अगर आप सबको किसी को पसंद या समझ में ना आएगा तो मैं बीच में कोशिश करूंगा मैं हिंदी में भी बोलूं। बाय द ऑर्डर ऑफ श्रीधर महाराज आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक ओनली कपल ऑफ थिंग्स, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर वेरी रेलिवेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रोग्रेस इन द पाथ ऑफ भक्ति। वन ऑफ देम इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हरिनाम संकीर्तन एंड द सेकेंड वन इज एसोसिएशन ऑफ वैष्णवस। इन द लास्ट कपल ऑफ डेज यू हैव बीन
other devotees who have spoken about these two important topics. So I will just repeat whatever I have heard about. And all these talks are not mine. I'm just repeating as a parrot. Our Param Gurudev Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj, who is guru of my gurus, he is the Param Guru. So all these words are his, not mine, and other Vaishnavas from whom I have listened. So first talking about the Harinam Sankirtan. This is the most important thing in the life of the devotees. We are living in this world, which is the last yuga of Chaturyuga, which is Kali Yuga. And this Kali Yuga is the yuga of Kalaha, where there is a lot of conflicts. Henceforth, most of the times we think, or we have been told, that we are having one or the other trouble in life. Either we are concerned about our families, ourselves, to take care of ourselves, and these things have been deteriorating with the time. However, we must thank our Acharyas, our Vaishnavas, that because of their mercy, we are get into this very beautiful process of Bhakti Yoga, where by just chanting the name Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, we will be able to get over all these troubles. You have been listening about in the last few days about that we are not body, we are soul. We are parts and parcel of the Lord Krishna Himself. Henceforth, this body, after this soul goes away, we are called dead. Isn't it? When we don't have this soul inside, which means that the most important thing is, or our identification is soul, not body. Now, what is important for the soul is to have that relationship with God Himself, because we are His parts only. We, because of our conditioning in the last so many births, do not understand it. But by the mercy of the association of devotees, we are able to understand. Few years back, even I was roaming around in the world in a rat race to get all the material things, have a very good house, have car, have kids study in the very costly schools, etc. However, nothing is permanent. All of them perishes with time. However, when I got introduced into this process of bhakti, that is the time when I realized that this is the topmost which we shall attach ourselves, or topmost activity of life which we shall do. So with this, it's very important that we shall take association of the devotees. It is said that by chanting the name of Hari, Hare Krishna, Maha Mantra, we shall be able to get delivered from this world. It is said that Hare Ranam, Hare Ranam, Hare Ranam, Eva Kevalam, Kalau Nasti, Kalau Nastev, Kalau Nastev, Gatir Anyatha, which means thrice it is said that in this Kali Yuga, only Hari Nam will deliver us. There is no other way, no other way, no other way. It is emphasized thrice, means it is stamped thrice, that this is the only way of getting out of this world and having our relationship with the Lord and go back to the Godhead. So my humble request to all of you, Maharaj and other devotees who have spoken, they have all talked about that we shall take this Maha Mantra. Can you speak with me? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Now, as I was telling, that this thing is not possible without the association of devotees. Each one of us, because we are part and parcel of the Lord Himself,
Hence, we only get happiness when we associate, or when we get related to the Lord. And this is possible only with the association of the devotees. No other way. Just like wood has fire in it. But when it comes in the contact of fire, then it burns. Similarly, if we want to awaken the love for Lord Krishna, then we need to come in contact with the senior Vaishnavas, the Acharyas in our parampara. Then it is possible. I would just like to state one small story to relate. Once upon a time, the senior sage, Lord Narad, he has some doubt. So he has a doubt that what is the importance of association of devotees. So he knew whom to approach. He met Lord Vishnu in his ocean of milk. When he went there, he asked this question to Lord Vishnu. Knew it. So he told Narad, look, go back to the village. We are looking, using his mystic, he told that go back to the planet Earth and in a village, and if you are looking for the worm down there, go there and ask this question to him. Narad was surprised. Instead of getting the answer directly from the Lord, why he is directing me to go back to the Earth? Anyways, he accepted the order. He came to the earth. He asked this question to the worm. Worm looked up to Narad. He rolled over and died. Narad Muni was. He came back running to Lord Vishnu and asked him, Lord, when I ask the question, I see that the worm died. But I didn't get the answer. Lord smiled at him and he said, don't worry, you will get the answer. Now you go back again to the planet Earth. There is a town and there is a calf which has taken birth. Go to the cow shed. The newly born calf, you ask this question to that calf and you will get your answer. Narad Muni was really concerned that this time he goes back and the calf dies, he will get the pap of Gohatya. Then he asked Lord, no, I won't go. Lord said, no, please go, you will get your answer. So he came back to the town, he saw the cow shed where the newly born calf was there. He very slowly went to see the calf in the mid of the night and asked the same question to the calf about the association of devotee. The calf looked up to Narad Muni, rolled over and passed away. Narad Muni was really, really worried now. He came running back to Lord Vishnu asking forgiveness that because of him the cow has passed away, the calf has passed away. This time Lord Vishnu said, go back. You see the kingdom on the planet Earth? There is a newly born prince. You please go back and ask this question. Narad said, no, I will not go this time, because this time if I go and the prince dies, then all this pap will be on him. So I will not go. Lord Vishnu was adamant. He said, if you want to get your answer, go back. So this time, again, very confused, very worried, still Narad Muni came back to earth, to that kingdom where the prince was newly born. Again, very slowly, without disturbing anybody, without letting the guards know, the kingdom know, he went and asked this question again to the newly born baby. The baby looked up to him and Narad Muni was like, oh, may Lord, he doesn't die. But this time the baby didn't. He looked up to Narad Muni, smiled and said, I am the same worm. You came to me some time back and you asked me this question. I passed away. Immediately I got the body of cow. When you came back the next time and asked this question, I again passed away. And then immediately I got the body of this baby born in a kingdom where I have all the facilities to do the bhajan.
Now, I am sure, because this time you have come because of your association, I will definitely get delivered from this word in this life itself. That is the power of association of the devotees. I must say that we all are blessed that Maharaj Ji is here. It's very difficult to get his association. Sometimes we have to travel a lot of distance to listen to him. And he is very much here, showering his mercy to all of us. My humble obeisances, my heartfelt humble obeisances in the feet of all of you, to please listen to each word of the Maharaj and try to inculcate all those things which Maharaj is telling. The life is very short. We must remember the way the Kali Yuga is going on, the kinds of things we are seeing in this world because of onset of smartphones and other things. It's very difficult to sustain and be in association. It's very important we get onto this association, cling to this association and get the maximum benefit. Naveen Prabhu, who is very much here in Vikaspuri, he has been arranging a lot of these things. It's it's not easy to have this kind of arrangement here. It's a lot of effort from him as well as from his family to get this arrangement done. So please associate as much as possible. Maharaj will be here for another few days and he will then have to go to other places, to other countries also to deliver this message. But Naveen Prabhu is here. He takes Palki Yatra every week. Please join. Have these kinds of associations continued. And then probably, why we are calling Maharaj only once in a year? Why can't we call him twice in a year? Can you all do that? Hari Bol. So I think it's very, very important that we shall all use our whatever little time we have. We shall use that time in understanding and following the instructions of Maharaj, who has been very kind enough to be here. So Shiv Krishna Prabhu ne bola ki Hindi mein thoda sa bolen. Main bahut acche se nahi bol sakta Hindi mein, lekin koshish karunga. Isme maine do hi baaton ke bare mein bataya jo aapne Maharaj ji se mukh se aur वैष्णव के मुख से यहाँ पर सुना है. पहला, महामंत्र संकीर्तन की इम्पोर्टेंस, और दूसरा, साधु संघ क्या होता है और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में मैंने बताया. तो बहुत अच्छे से महाराज ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी है. मैं सब कुछ तो रिपीट नहीं करूँगा, टाइम इतना नहीं है, लेकिन इतना ही कहूँगा कि ये महामंत्र इस कलयुग में हम बद्ध जीवों के लिए इस बंधन से छूटने का केवल मात्र एक ही उपाय है. इसके अलावा कोई उपाय नहीं है इस युग में. अगर हम इस बात को अपने बांध लें, गांठ में बांध लें, तो हमें रियलाइज होगा कि हमारी जिंदगी का बचे हुए जितने समय हैं, उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के नाम में, भजन में लगाना चाहिए. और ये तभी पॉसिबल है जबकि हम डिवोटीज साधु संग करें, और साधु भी ऐसे जो कि रसिक साधु, जो भगवान के नामों को उच्चारण करते हैं, उनके बारे में प्रचार करते हैं और हम सबको प्रोत्साहित करते हैं कि हम भी उनकी तरह उनके रास्ते में चलें, उनके बताए हुए कदमों पे चलें. ये तभी पॉसिबल है. तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने समय को सदुपयोग में लगाएं, महाराज और यहाँ पर दूसरे जो वैष्णव बैठे हैं उनके साथ जुड़े रहें, ताकि हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते रहें और अपना कल्याण करें. हरे कृष्ण. वृंदावन बिहारी लाल की. आपके पास में माला पहुंची गया ना? हाँ, सबके सब ये समझो वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी की चरण में हम बैठ करके हरिनाम कर रहे हैं. और सबके सब मुंह खोल कर, मुंह बंद करके नहीं करना, क्योंकि जो ठाकुर का नाम लेते हैं वो पाप उड़ जाती है. लेकिन वो पाप उड़ करके कहाँ बैठेगा? बोले जो हरि नाम नहीं करेगा. इसलिए सबके सब जोर जोर, देखो हमारे गुरु जी कहते थे जैसे एक पत्थर उठाओ और पानी में फेंको, उसमें लहरियां आती हैं. कहते तो उसी तरह जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, ये साधारण ये शब्द नहीं, ये दिव्य शब्द है. भगवान का नाम है ना, कितना मंगल भवन अमंगला हरि, ये भगवान का नाम है.
ये नाम में दिव्य शक्ति प्रभु का नाम में, इसके आवाज जितने दूर तक गूंजेगी उतना दूर तक जितने दुख कष्ट को सब हर लेगा। देखो ध्यान देकर सुनो, एक समय साइंटिस्टियों ने ये चीज को रिसर्च किया, मतलब क्या रिसर्च किया, बोले भैया कहते हैं ठाकुर का नाम में बड़ा शांति है, बड़ा आनंद है। उन लोगों ने तीन ट्रे लिया, तीन ट्रे में जो साग दाल उसमें डाल दिए और उसमें थोड़ी 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 पानी दे दिया, दे करके एक ट्रे को एक जगह पर रख दिया साधारण जगह पर, एक ट्रे को पास में ये हरे कृष्ण महामंत्र जो कैसेट में चल रही थी उसको पास में रख दिया, और एक ट्रे को जो रक म्यूजिक चलती है वो रक म्यूजिक वहां पर चला दिया। अभी उन्होंने तीन दिन में देखा जहां पर बेस ये मूंग दाल रखा हुआ था उसमें थोड़ी सी अंकुर हुआ, और जहां पर ठाकुर जी का नाम कैसेट में चल रही थी हरे कृष्ण महामंत्र वहां दो गुण तीन गुण ज्यादा उसमें अंकुर आई, और जहां पर ये रक म्यूजिक चल रहा था वो एक अंकुर नहीं आया, वो एक अंकुर भी नहीं आया। पर साइंटिस्टों ने देखा सचमुच से भैया भगवान का नाम में तो बड़ा आनंद है, भगवान का नाम में तो बड़ा शक्ति है, इसलिए अगर हम भगवान का नाम को कीर्तन करते हैं अपना घर में भी कोई दुख कष्ट हो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, घर में सबके सब आप बैठ जाओ, पूरा परिवार को लेकर बैठ जाओ, आप भगवान का नाम को जप करो, देखना ये आवाज जितने दूर तक गूंजेगी ये आवाज घर की सारे अमंगल को दूर कर देगा। मैं एक गांव का हूँ, हमारे गांव में जब बड़ा बड़ा दुख कष्ट आता था सबके सब लोग ढोलकी मजीरा लेकर गांव गांव में कीर्तन करना शुरू करते थे, जब ठाकुर का कीर्तन करना शुरू करते थे वो कीर्तन का प्रभाव से अपने आप दुख चल जाएगा। देखो आपको एक प्रत्येक घटना बताता हूँ, हमारी नोएडा में ये दीदी यहाँ पर बैठी हुई वंदना दीदी, ये इनकी परिवार के एक व्यक्ति थे जिनको डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारी कैंसर है, 6 महीना तुम बचने वाला हो। उन्होंने देखा 6 महीना बच्चों का नौकरी कर रहा था तो उन्होंने नौकरी को रिजाइन दे दिया, जो 6 महीना बच्चों का उन्होंने बड़े गुरु जी से माला लिए थे, अभी उन्होंने भगवान का नाम रोज रोज एक एक लाख ठाकुर का नाम जप करना शुरू किया, जब जप करना शुरू किया उन्होंने 16 साल तक रहा, जो डॉक्टर बोल दिया तुमको 6 महीना में मरने वाले हो लेकिन ठाकुर जी के नाम से 16 साल तक उन्होंने जीवित रहा, 75 साल तक उन्होंने जीवित रहा, अपना ठीक उम्र में ही शरीर छोड़ा, इसलिए भगवान का नाम में इतने शक्ति है, हाँ इतने शक्ति है वो असंभव को संभव कर सकता है। इसलिए घर में कोई भी दुख कष्ट हो अब घर में हरि कीर्तन करो, हरि नाम करो, देखना पूरा घर घर परिवर्तन हो जाएगी, घर में शांति सुख आ जाएगी। इसलिए सबके सब आंख बंद करके सबके सब ठाकुर का नाम जप करो, सबके सब मेरे साथ में बोलो, देखो मैंने तब बोल दिया पहले ना, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल कर एक मोती सरगेगा फिर दो मोती, ठीक है सबके सब मेरे साथ में जप करो, सबके सब बोलो, नहीं तो सबका पाप जो बोलेगा नहीं उसका सर पर जाएगी, सबके सब बोलो मेरे साथ में, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सबके सब माला वापस दे दो, कोई लेना नहीं, पाप लग गया, बाद में मैं दूंगा। सबके सब इकट्ठ कर लो और सबके सब खड़े हो जाओ। प्रभु जी एक बढ़िया सुंदर भजन गाएंगे, सबके सब भजन में नाचना और आरती प्रसाद लेकर सब जाए। बगैर प्रसाद से कोई नहीं जाए, बगैर प्रसाद के कोई नहीं जाए। नवीन Thank you.
ही वृंदावन की और मरमाने को तेरे लिए बस सबरिया